बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान, कदम तुम्हारे बंद ही करके पहचान, करके पहचान। अब तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और। प्रणाम जी। प्राणधार सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि ब्रह्म मुनियों पर शरीयती मुसलमानों ने, औरंगजेब के सैनिकों ने जो कसाला किया था, उन ब्रह्म मुनियों को सांत्वना देने के लिए श्रीजी ने ये पत्री लिखी है, चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में उस समय के संपूर्ण सुंदर साथ को और भविष्य में आने वाले सुंदर साथ तथा उनकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सिखापन दी गई थी। और उसमें हमने श्री जी के द्वारा सुंदर साथ को प्राप्त बहुत सारी शिक्षाओं को सुना। अब आगे कह रहे हैं, अब तुम तुम्हारी नजर को जिन करो तुम और, जो कदी तुम्हें दिल में आवे नहीं एह ठोर। श्री जी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि आप अपनी नजर को, नजर का मतलब यहां पर सिर्फ बाह्य नजर या दृष्टि नहीं, विचार अथवा एकाग्रता अथवा अपना ध्यान, कि आप दूसरी तरफ अथवा दूसरे कार्यों में अपना मन मत लगाइए, दूसरे कार्यों में अपना ध्यान मत लगाइए। अगर हम अभी जिस स्थान पर रह रहे हैं, ये स्थान आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो हम किसी दूसरी जगह पर जाकर के, यहाँ से जाकर के कहते हैं तो हम और ठहर जाए के मारे मोर्चा फेर। यहाँ से जाने के जाकर के हम किसी दूसरे राजा को जगाएंगे और दूसरे राजा को जगा करके उसे आपके सहयोग के लिए भेजेंगे। और कहते हैं लड़ाई करे दज्जाल सो फिर आवे दूसरी बेर। हम दोबारा किसी को, किसी राजा को जगा करके, जागृत करके फिर से औरंगजेब को प्रबोधित करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये जाहिर मुसलमान ऐसे समझने वाले नहीं हैं। कहते हैं यह विचार तो करें जो तुम्हें उल्टे होए, जेते कोई मुसलमान सब चरण बंदेंगे सोए। अगर कोई ऐसा राजा जागृत हो पाया जिसको लेकर के हम इनको समझाने के लिए आएंगे, दोबारा अगर हम इन पर ज्ञान दृष्टि से हमला करेंगे, तो कहते हैं जितने मुसलमान हैं वे सब आपके चरणों की वंदना करेंगे। कहते हैं तुमको सब कोई धन धन करेगा संसार, सारे संसार के लोग आपकी महिमा गाएंगे, आपको धन्य धन्य कहेंगे अगर आपकी बानी को देखेंगे। कहते हैं जो बानी इश्क देखेंगे यह तरफ परवरदिगार, आपकी वाणी को देखेंगे, आपके अंदर के, आपके हृदय के प्रेम को अगर कोई देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कोई भी परवरदिगार की तरफ, अर्थात जो कोई भी परब्रह्म की तरफ लगा है, जो कोई राज्य की राह पर लगा है, उसकी रहनी कैसे होती है, उसके हृदय में प्रेम कैसा होना चाहिए, ये आपको देख करके दूसरे लोग सीखेंगे। कहते हैं जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे। और आपके अंदर जो जोश है, जो आपने समर्पण किया है और कुर्बानी का नाम सुनकर के, समर्पण का नाम सुनकर के आपके अंदर जो जोश है, जैसा वाणी का कहना है कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, तो उस उल्लास को देख करके, जोश को देख करके किसी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बिना मारे मर जाएंगे। बिना मारे मरने का मतलब ये है कि वो आप पर समर्पित हो जाएंगे। जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित्त सो ना धर। कहते अभी औरंगजेब आपकी बात को दिल में नहीं ले रहा है, दिल से नहीं लगा रहा है, और वो भी किस लिए? कहते सो भी इस वास्ते सुल्तान न दिया कान, एक तो नजर ऊपर की, क्योंकि काना दज्जाल कहा गया है,
काना दज्जाल का प्रगटीकरण कहा गया है कि उसकी एक ही दृष्टि होगी, ऊपरी दृष्टि होगी, और दूसरा क्या है कि बातुन के ज्ञान की पहचान न होने के कारण सुल्तान ने आपकी बात को ध्यान नहीं दिया, और दूसरा उसके दरबारियों ने, औरंगजेब के दरबारियों ने क्या किया, कहते हैं और इनके दिल में हुआ है चौकस जो हम पर दगा करने आए मेटन मेरा जस। दज्जाल ने क्या सोचा उस समय के तत्कालीन जाहिरी शरीयती मुसलमानों ने, औरंगजेब के कान में ये बात भर दी कि ये जो 12 लोग आए हैं इन 12 में से 6 लोग कहाँ के, 6 लोग तो दिल्ली के हैं, चंचल, गंगाराम, दयाराम, बनारसी, शेख बदल और कायमुल्ला, ये 6 लोग दिल्ली के। तो उन्होंने कहा उन दरबारियों ने कि इनमें से 6 लोग दिल्ली के हैं और उन 6 लोगों में से भी 4 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं। तो दिल्ली के 6 लोग जिनमें से 4 हिंदू 2 मुसलमान और बाहर के बाकी 6 लोग मिल करके यहाँ आपके पास आए, वो भी मुसलमानों का वेश धारण करके, अगर इनके मन में कोई खोट नहीं होता, अगर ये सच्चे धर्म की ही बात करने आ रहे होते तो फिर इनको वेशभूषा बदल करके आने की क्या जरूरत थी, ये तो जरूर किसी राजा की साजिश लगती है, कोई षड्यंत्र है आपको मरवाने के लिए या आप पर कोई संकट आने वाला है इसलिए ये लोग ऐसे आए हैं, ये आपके खिलाफ कोई साजिश है। तो इसीलिए इन उन लोगों ने भड़का दिया। और तीसरा मुख्य बात ये हुई, कहते हैं और तीसरा यह जो जाहिर होत इमाम तब सरा तोरा दो उड़े तो को न पकड़े काम। अगर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में वहां जाहिर हो जाते, औरंगजेब इस बात को स्वीकार कर लेता कि श्री प्राणनाथ जी ही आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी है, तो शरीयत का जो साम्राज्य है और औरंगजेब का जो राज्य है दोनों समाप्त हो जाते हैं, मतलब धार्मिक और राजनीतिक दोनों साम्राज्य इनके समाप्त हो जाते, इसीलिए उन जाहिरी मुसलमानों ने औरंगजेब को आपकी बात अथवा मेरा संदेश सुनने नहीं दिया। और दूसरा ये जाहिरी मुसलमान क्या मानते हैं, कहते हैं और बाहर के अर्थ में मेहदी ईसा दज्जाल पकड़ेंगे वजूद को मिट जासी सब हाल। ये जाहिरी अर्थ लेते हैं मुसलमान और कहते हैं कि जब इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह जाहिर होंगे तो ये शरीर को देखेंगे, ये मुसलमान शरीर को देखेंगे, कहते हैं वे लड़ेंगे तलवार से। मुसलमान क्या सोचते हैं कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो वे जाहिरी तलवार से युद्ध करेंगे, बड़ा युद्ध होवे दारुण, दारुण मतलब दर्दनाक दुखद युद्ध होगा बहुत ही बड़ा, और कहते हैं 70,000 काफरों को मारेंगे मोमिन। इन जाहिरी मुसलमानों का ये सोचना ये मानना है कि इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे और मोमिन जब जाहिर होंगे तो ये मोमिन एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेंगे और वो लड़ाई तलवार की होगी, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई क्या है, हमने उस दिन की चर्चा में भी सुना था कि हमारे अंदर कतिब परंपरा के अनुसार 70,000 नस नाड़ियां मानते हैं, 70,000 प्रकार की संसारिक इच्छाएं वासनाएं होती है, और प्रत्येक मोमिन वह है जो संसारिक इच्छा को समाप्त कर दे, संसारिक इच्छा को वो त्याग कर दे उन इच्छाओं का, उसको मोमिन कहा गया है। तो 70,000 काफिरों को मारने का मतलब यह है कि जिन वासनाओं के पीछे, जिन संसारिक इच्छाओं के पीछे हमारे दिल में कुफ्र है, कुफ्र मतलब बेईमानी है, ये संसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए हम एक दूसरे को ठगते हैं, छल करते हैं, छल छद्रम का प्रयोग करते हैं, कुटिलता का प्रयोग करते हैं, तो इन वासनाओं को, अपने हृदय के विकारों को समाप्त करना, इसी को कहा गया है 70,000 काफिरों को मारना। लेकिन ये जाहिरी मुसलमान इसको जाहिरी तौर पर ही लेते हैं और कहते हैं जब लड़ाई होगी ऐसी काफिरों के साथ में, लोहू सब वैराट में होए जाएगा, सब सारे वैराट में मतलब सारे संसार में खून ही खून होगा। और कहते हैं हाथियों के खरिहान ये युद्ध होवे, जब जब ये युद्ध होगा हाथियों के ऊपर सवार होकर के जब लोग लड़ाई करेंगे, तो जिन हाथियों के ऊपर सवार होकर के योद्धा लड़ रहे होंगे ऐसे हाथी भी गिर जाएंगे, ऐसे हाथियों के सब ही दिखाई पड़ेंगे हर तरफ। इसका मतलब क्या है, इस चौपाई का एक गुह्य रहस्य यह है, काफिर उसको कहा गया है जिसके अंदर कुफ्र हो बेईमानी हो, यहां पर काफिर का मतलब है
जिसके हृदय में नास्तिकता है, अर्थात एक परब्रह्म के ऊपर विश्वास नहीं है, उसे काफिर कहा गया है। जो एक परमात्मा को छोड़ करके, एक तो हो गया नास्तिक जो परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं मानता, दूसरा वो ये मानता तो है कि कोई ऊंची शक्ति है, कोई ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा तो मानता है, लेकिन उस एक परमात्मा के स्थान पर वह अनेकों की उपासना करता है, जिनको हम कहते हैं बहुदेववाद। तो ऐसे तथा कथित आस्तिक, एक तो हो गया नास्तिक, दूसरा हो गया आस्तिक। आस्तिकता के नाम पर जो बहुदेववाद की उपासना करते हैं, अपनी परंपरा के नाम पर एक परमात्मा को छोड़कर के अनेक काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जड़ की उपासना करते हैं, एक चेतन परब्रह्म जो हमारे हृदय धाम में विराजमान है उसको छोड़कर के जो जड़ की उपासना करते हैं, नदियों नालों प्रकृति जन्य पदार्थों की उपासना करते हैं, वे भी नास्तिक और तथाकथित आस्तिक, ये दोनों को काफिर की संज्ञा दी है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, ना हमें नास्तिक होना चाहिए और ना हमें तथाकथित आस्तिक होना चाहिए। नास्तिक और समाज में जिनको हम आस्तिक कहते हैं, नास्तिक और आस्तिक से ऊपर हमें वास्तविक होना चाहिए। हमें वास्तविकता की पहचान करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। वास्तव में अगर हम चेतन है, चेतना का एक स्रोत है, उसे हम कहते हैं परमात्मा परब्रह्म, जो स्वयं चेतन है और जिसकी इच्छा से संपूर्ण प्राणियों में चेतना है, उस परब्रह्म की हमें उपासना करनी चाहिए, उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, ये वास्तविकता है। लेकिन इनको छोड़ करके, इन एक सत्य को छोड़ करके जो अनेकों की उपासना करता है, जैसे कि वेद में, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथ में और अनेक धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी गई है कि एक परमात्मा को छोड़कर के जो अनेक की उपासना करता है, कहीं पर लिखा है कि वो घोर अंधकार में प्रवेश कर जाता है, कहीं पर ऐसे व्यक्ति को विद्वानों के बीच में पशुओं की संज्ञा दी, और भागवत के अंदर तो यहां तक की बात कही गई है कि जो एक चेतन परमात्मा को छोड़कर जो जड़ की उपासना करता है, वह जानवर और जानवरों में भी जिस जानवर को सबसे मूर्ख कहते हैं, गधा, गोखरह शब्द से संबोधित किया गया है भागवत के अंदर। लेकिन आज भागवत की ही स्तुति करने वाले, भागवत की कथा करने वाले भी एक चेतन परमात्मा को छोड़ करके उसकी काल्पनिक मूर्ति बना देते हैं, और उनकी तो बात चलिए दूर की है। आज हमारे समाज में भी श्री देवचंद्र जी की मूर्ति के नाम पर, उनकी भक्ति के नाम पर सोने की मूर्ति बनाई जाती है, चांदी की मूर्ति बनाई जाती है राधा कृष्ण जी की, और प्राणनाथ जी की मूर्ति कहकर के मिहिर राज जी के शरीर की मूर्ति बनाई जाती है अलग, कभी मिट्टी की बना रहे, कोई पत्थर की बना रहे, कोई किसी धातु की बना रहे। जो बुराई उनमें थी, होता वैसे होता आया है, सृष्टि की शुरुआत से ये बात होती आई है कि समाज में जब जब बुराई आती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं महापुरुष का उद्भव होता है, और वो महापुरुष उस बुराई को समाप्त करके एक नए मत की स्थापना करते हैं, और कुछ समय के बाद में उस मत में ही वह बुराई घूम फिर करके आती है। किसी व्यक्ति ने एक बात लिखी थी कुछ दिन पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप लोगों के बीच में मैं साझा कर रहा हूं, कि ये जो अच्छाई और बुराई है, सत्यता और असत्यता, आज कैसे, मान लीजिए तारतम वाणी आने से पहले समाज में जो बुराई थी कि देवचंद्र जी स्वयं भी खोज करते करते विभिन्न स्थानों में गए, मूर्तियों की परिक्रमा लगाई, ये किया वो किया, किसी गुरु के पास में गए, कभी किसी गुरु के पास में गए, जब सफलता हासिल नहीं हुई, आखिर में उनके त्याग, उनके तप, उनके समर्पण श्रद्धा को देखते हुए जब परिपक्वता आई, राज्य ने दर्शन दिया, राज्य का दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले के सारे कर्मकांड को छोड़ा, और वो जिस अवस्था में पहुंचे, वो जो ज्ञान देने लगे, दूसरे जामे से भी उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, वो बुराई अब हमारे समाज में ही घर कर गई। तो किसी व्यक्ति ने लिखा था,
कि जैसे पुराणों में चार युगों की बात करते हैं ना, तो उसने लिखा था कि सतयुग के अंदर बुराई अलग अलग लोकों में रहती थी। मतलब पृथ्वी लोक के अंदर राक्षस इत्यादि रहते थे यहाँ मनुष्य के साथ साथ में, और देवता जिनको अच्छा ही कहा जाता है वे स्वर्ग लोक में रहा करते थे, स्वर्ग में वैकुंठ में। फिर त्रेता युग के अंदर और नजदीक हो गई ये सीमा, और नजदीक हो गई। अब त्रेता युग के अंदर राम और रावण अलग अलग देश में है, एक ही पृथ्वी एक ही लोक के अंदर अलग अलग देशों में है। ये त्रेता युग की बात हो गई। द्वापर युग के अंदर इसका दायरा और सिमट गया, और क्या हुआ कि एक ही परिवार के अंदर, क्योंकि कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे ना, एक ही वंश के थे, तो एक ही परिवार के अंदर वो चीज आ गई। और कलयुग के आते आते एक ही मनुष्य के अंदर अच्छाई भी और बुराई भी है। कब अच्छाई आती है कब बुराई आती है कुछ पता नहीं चलता। वैसे ही हमारे समाज में भी क्या हुआ, जिन कर्म कांडों का विरोध किया श्री जी ने वाणी के माध्यम से, वित्तक के माध्यम से, आज हमारे समाज में हम उसी कर्म कांड को बढ़ावा दे रहे हैं। वाणी में ये बात कही गई है एक चौपाई खिलवत ग्रंथ के अंदर कि तीन कबीले में रहना पूजे आग पानी पत्थर। क्या कह रहे हैं, तीन कबीले में रहना पूजे आग पानी पत्थर, बेसहूर मतलब नासमझ अज्ञानी, बेसहूर इन भात के जानबूझ जले काफर। स्पष्ट शब्दों में अक्षरातीत धामधनी श्रीदास जी हम सभी सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम उस कबीले में जाकर के, माया के परिवार में जाकर के आग पानी पत्थर की पूजा करोगे ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात भी, तो ऐसी नासमझी के कारण ऐसे लोगों को जो तारतम्य ज्ञान लेने के बावजूद भी ऐसा करते हैं, जानबूझ करके अगर ऐसा कर रहे हैं तो जानबूझ जले काफर, ऐसे काफरों को ऐसे बेईमानों को पश्चाताप की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। और इस चौपाई को पता नहीं, मेरे विचार से इतने बड़े बड़े लोग हैं, वाणी विशारद हैं, वाणी के आचार्य कहलाते हैं, बड़े बड़े गादीपति कहलाते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं समझ में नहीं आती कि स्वयं जो वाणी हमें यह सिखा रही है कि हमें जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, आग पानी पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने ही इस संसार के अलग अलग धातुओं से निर्मित मूर्तियों की पूजा करनी शुरू कर दी, मूर्तियों की स्थापना शुरू कर दी, फिर दुनिया के लोगों में और हम में क्या अंतर रहा। इसीलिए ये भी गलत है, अगर निजानंद संप्रदाय में वाणी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, और यहां तो ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं ज्ञान प्राप्त कराने वाले भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो उनकी क्या हालत होने वाली है वाणी के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ऐसे लोगों को भी काफिर कहा गया है जो एक परब्रह्म की उपासना छोड़ करके, उनकी भक्ति उनका ध्यान छोड़ करके, उनकी वाणी का प्रचार छोड़ करके आज वाणी के अतिरिक्त अन्य अन्य ग्रंथों का प्रचार करते हैं, जो राज्य के अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं और जड़ की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को भी काफिर की संज्ञा दी है। और ऐसे काफिरों को कहा है ना, लोहू सब बैराट में होए जाएगा सब हाथियों के खरियान, एक युद्ध होवे जब। अब हाथियों के खरियान का मतलब हाथियों के ऊपर सवार होकर के लड़ने वाले योद्धा। अब यहाँ हाथी क्या है, वे धार्मिक कहलाने वाले स्थान, वे तथाकथित धार्मिक मठ मंदिर आश्रम और संस्थाएं, उनको हाथी की संज्ञा दी है, जिस पर विराजमान होकर के, जिस पर रह करके ये धार्मिक कहलाने वाले लोग ऐसी नास्तिकता को, ऐसी अज्ञानता को, अंधकार को बढ़ावा दे रहे हैं, फैला रहे हैं। और जब ब्रह्म सृष्टि वास्तव में जाहिर होंगे, जब मोमिनों का ज्ञान इस संसार में जाहिर होगा, तो ये नास्तिकता तथाकथित आस्तिकता वास्तविकता के तलवार से कट करके समाप्त हो जाएंगे, और ये बड़े बड़े हाथी अर्थात ऐसे मठ मंदिरों आश्रमों का अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लोग सच्चाई को सत्यता को स्वीकार करने लग जाएंगे। तो ऐसे झूठ के बाजारों में, झूठ की दुकानों की जो बिक्री है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसको कहा है हाथियों के खरियान, ए जुद होवे जब। आगे कह रहे न दाना पानी रहेगा। दाना पानी का मतलब क्या होता है, मतलब खाने पीने की व्यवस्था। यहाँ दाना पानी का तात्पर्य क्या, कहते हैं ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास। दाना पानी मनुष्य के खाने के लिए, पशुओं के लिए घास। इसका बातिनी तात्पर्य क्या है इसका, जैसे वाणी की एक चौपाई है ना, गोविंद के गुण गाए की
तापर मागत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवी जो बेचत है भगवान। अगर आप भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, चाहे राज्य के नाम पर धन लेते हैं सुंदर साथ से अथवा अपने अपने समाज के लोगों से, और उस धन का आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि धन लेना गलत नहीं है। अगर आप समाज से धन लेकर के समाज के कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप जब उसको अपना दाना पानी समझते हैं, उस धन पर आप अपना कब्जा मानते हैं, तो उस बात को गलत बताया है। और कहते हैं कि जब सत्य ज्ञान जाहिर होने लगेगा, जब उन दुकानों में बिक्री कम हो जाएगी, तो फिर लोगों की रोजी रोटी ही चलना बंद हो जाएगी। इसको कहा है ना दाना पानी रहेगा ना कछु रहेगा घास, ऐसे लोगों के रोजगार, ऐसे लोगों का जो व्यापार है वो धीरे धीरे ठप हो जाएगा। तो ये जो जाहिरी मुसलमान है इनका अर्थ कहते हैं तीस वास्ते इनको अर्थ उपलो, ये जाहिरी मुसलमान तो उपली अर्थ अर्थात ऊपरी बाह्य अर्थ को ही लेते हैं, जानत नहीं खास, खास अर्थ वास्तविक अर्थ को समझते नहीं है। अब आगे श्री जी कह रहे हैं और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, और ये जो जाहिरी मुसलमान है कयामत को बड़ा डरावना समझते हैं। डरावना इसलिए समझते हैं कि उनको लगता है कि कयामत का मतलब दुनिया एक तरफ से खत्म होने शुरू हो जाएगी, महाप्रलय में सब लोग मर जाएंगे, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा आएंगी। महाप्रलय में ऐसा होना है, लेकिन कयामत यहां पर ज्ञान के कायमी की बात की जा रही है। पहली कायमी, अगर वैसा होने के बावजूद भी सावधान नहीं हुए तो दूसरी कयामत तो होनी ही है, लेकिन ये जाहिरी मुसलमान समझ रहे हैं कि कयामत का तात्पर्य ही भयानक डरावने स्थिति होती है। इसलिए कहते हैं कया और जो कयामत की बड़ी जानी दहशत, करामात मेरे स्वरूप पर मुझे आदमी देखे थी। ये जाहिरी मुसलमान सोचते हैं कि मैं कोई चमत्कार करने वाला कोई लौकिक व्यक्ति हूँ, और कहते हैं कि मुझे आदमी देखे इत, मुझे तो ये संसारी मनुष्य समझते हैं। और जाहिरी उन मुसलमानों की जिनको तातम ज्ञान नहीं मिला, जिन्होंने कभी चर्चा नहीं सुनी, उनकी बात क्या करें। हमारे समाज में वाणी और वित्तक के आचार्य कहलाने वाले लोग, वाणी विशारद कहलाने वाले लोग, जब कहते हैं कि प्राणनाथ जी का जन्म 1675 में हुआ था, जब ये कहते हैं कि प्राणनाथ जी के माता पिता का नाम केशव ठाकुर और धनबाई था, जब ये कहते हैं कि प्राणनाथ जी 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की उम्र में देवचंद्र जी के पास गए थे, उनसे तारतम ज्ञान ग्रहण किया था, प्राणनाथ जी का धाम गमन 1751 में हुआ था, ये क्या है। जन्म किसका हुआ, शरीर का जन्म हुआ ना, उस मनुष्य का जन्म हुआ, मुहे आदमी देखे इत ऐसा कह रहे हैं। तो अगर जो कोई भी श्री जी को, जो कोई भी प्राणनाथ जी को संसारिक मनुष्य की तरह समझता है कि उनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनका धामगमन दिवस मना रहे हैं, व्रत रख रहे हैं कि हमारे प्राणनाथ जी चले गए, सारी ब्रह्म सृष्टियां विधवा हो गई, आप अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, तो प्राणनाथ जी तो अराजी को कहा जा रहा है। अगर उनका ही शरीर छूट गया जिसके नाम पर आप शोक मना रहे, तो आप कैसी सुहागिन, आप तो विधवा हो, फिर आपको सुहागिन कहलाने का क्या हक है। फिर अगर आप उनको, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मूर्ख स्त्री अपने पति को नौकर बनाती है तो नौकर की पत्नी खुद नौकरानी कहलाती है, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं। अगर आप अपने प्राण के प्रियतम अक्षरातीत को सामान्य मनुष्य की तरह दर्शा रहे, तो ब्रह्म सृष्टि की फिर कौन सी महिमा हुई, आप तो प्राणनाथ जी को अपने से भी छोटा कह रहे हैं। प्राणनाथ शब्द से आप मिहिरराज को समझते हैं, और स्वयं के लिए तो कहते हैं कि हमारे चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रिगुण, खुद की इतनी शोभा बना रखी है, इतनी बड़ी शोभा बना रखी है, और साक्षात अक्षरातीत को आप एक मनुष्य की श्रेणी में खड़ा करते हैं। आप कहते हैं कि प्राणनाथ जी एक हमारे समाज के बहुत बड़े विभूति हैं, इन्होंने एक बहुत बड़े काव्य की रचना कर डाली, 18,758 चौपाई के काव्य की रचना कर डाली, हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि के रूप में आप दर्शाते हैं, एक संत के रूप में दर्शाते हैं, आचार्य के रूप में दर्शाते हैं, तो ये आपका कौन सा ईमान है। तो आप भी काफिर हैं।
अगर आप प्राणनाथ जी, क्योंकि उनको भी यही बात कही गई है, जो नियम उनके लिए लागू हो रहा है, जो नियम जाहिरी मुसलमानों के लिए लागू हो रहा है, कि वे प्राणनाथ जी के स्वरूप को अगर आदमी समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, संसारिक व्यक्ति समझते हैं एक, और उनसे एक छोटी मोटी चमत्कार की आशा रखते हैं, तो उनको अगर काफिर कहा जा रहा है तो आप भी काफिर हैं। अगर आप प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होने के बावजूद भी उसको स्वीकार नहीं कर पाते, अपने एक व्यक्तिगत अथवा एक संस्थागत बंधन में बंध करके आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, आपका अहंकार अगर इस चीज के आगे आड़े आ रहा है, आप एक ज्ञान के अहंकार में बंध करके ये सोचते हैं कि अगर मैं प्राणनाथ जी को अक्षरातीत स्वीकार कर लूंगा, अथवा अगर हम प्राणनाथ जी को अक्षरातीत स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हम इतने दिनों से जो गलत सिद्धांतों को प्रतिपादित करते आ रहे हैं, प्रचारित प्रसारित करते आ रहे हैं, हम गलत सिद्ध हो जाएंगे। उस एक अहंकार के चक्कर में फंस करके, बंध करके, अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपना अहंकार मुबारक है। आप हमेशा इस अहंकार के बंधन में फंसे रहेंगे, बंधे रहेंगे, और जब तक वास्तविक जो कायमी है, कयामत है, जिससे मुसलमान डर रहा है, जब तक ऐसी कायमी नहीं आएगी, जब तक खुदा के कोड़े, जिसको कहा ना खुदा का सोटा कहा गया कुरान में, कि जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे उस पर कोड़े पड़ने वाले हैं पश्चाताप रूपी। इसलिए समय रहते सबको सावधान हो जाना चाहिए और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करनी चाहिए। उनको एक संसारिक लौकिक व्यक्तित्व के रूप में अथवा अलौकिक व्यक्तित्व के रूप में भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। वो साक्षात अक्षरातीत है, अक्षरातीत से न एक प्रतिशत भी कम नहीं है। प्राणनाथ का मतलब है प्राण का प्रियतम, वह अक्षरातीत है। और भी तक में हम इतने प्रसंगों में, अब तक ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं जिनमें उनको अक्षरातीत कहा है, जिनमें जिन प्रसंगों में सुंदर साथ ने उनके अंदर परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप का दर्शन किया है। इसीलिए इन प्रसंगों से हम शिक्षा लें। आज ऐसे ऐसे महापुरुष समाज में पैदा हो रहे हैं, भी तक से श्रीजी को अक्षरातीत साबित करने वाली चौपाई निकाल रहे हैं। मैंने एक जगह से प्रकाशित बीतक देखी और उस बीतक में जो चौपाई है ना, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उत ही जाता हूं, ये चौपाई निकाल रखी है। और सोचिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, हर साल बीतक की चर्चा करते हैं। एक तरफ तो वो प्राणनाथ जी को व्यक्ति घटित करते हैं, अब उनसे जब वो बीतक की चर्चा करते हैं कि यही अक्षरातीत है, यही धनी धाम, यही मोहम्मद मेहदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम, तो उस चौपाई का क्या अर्थ करते होंगे। जब ये श्री जी को उतारी गई आरती पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे चौपाई का गायन करते हैं, तो उस समय उसका क्या अर्थ लेते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए हम सब सुंदर साथ को इस प्रसंग से, इस चौपाई से सिखापन लेने की जरूरत है। श्री जी को कहते हैं, जैसे और आदमी मोहे देखे तीन माफक, ये जाहिरी मुसलमान जो काफिर है, ये मुझे और अन्य आदमियों की तरह देखते हैं तो क्यों कर आवे ईमान, और जब मुझे सामान्य एक इंसान की तरह देखते हैं तो मुझ पर ईमान कोई कैसे ला सकता है, और भागे क्यों कर सकते, संशय कैसे समाप्त हो सकते हैं। आज हमारे समाज में वाणी का ज्ञान ग्रहण करने के बावजूद, तारतम ज्ञान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है कि प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब कहते हैं, जब तुम्हारे सुकन अब फेर करो पुकार, तुमको इस ही वास्ते किए बाहर खबरदार। मैं आप सुंदर साथ को इसलिए सावधान कर रहा हूं कि आपके जो शब्द हैं, अर्थात आप जिस ज्ञान को लेकर के वहां गए हो, जब आप उस ज्ञान का पुकार करोगे, जब आप उस ज्ञान का प्रचार करोगे, तो क्या होगा, तब अवस्था कैसी हो जाएगी, उस अवस्था का वर्णन करते हुए सुंदर साथ को सावधान कर रहे हैं और कह रहे हैं, अब तुम छिपे ना रहो, बड़े उमराव होवे अधीन। आपने जो बीड़ा उठाया है ज्ञान के प्रचार का, तो इसके कारण आप सब छिपे नहीं रहेंगे। आप मेरी महिमा को जाहिर कर रहे हैं तो आप स्वयं की महिमा को जाहिर कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मूर्ख स्त्री और बुद्धिमान स्त्री की पहचान, ब्रह्म सृष्टि अगर राज्य की पहचान को जाहिर करती है, प्राणनाथ जी की पहचान को जाहिर करती है, तो स्वयं की भी तो महिमा हुई ना। इसलिए राज्य ने कहा, ज्यो मेरी शुद्ध देव औरों को तित चले तुम्हारा हुक्म। जहां आप मेरी शुद्ध दूसरों को देते हो तो वहां आपका हुक्म चलता है। आज
लौकिक दृष्टि से छठे दिन की लीला में जितने ब्रह्ममुनि परमहंस हुए उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं। लेकिन राज्य को जाहिर करने के कारण आज लाखों लोग उनके नाम पर इकट्ठे हुए हैं। आज परमहंस महाराज श्री मंगलदास जी, इन्होंने राज्य के नाम को जाहिर किया। जगह जगह पर राज्य को जाहिर करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों में मंदिरों की स्थापना की, वाणी का प्रचार किया, राज्य की बातें सुनाई लोगों को। आज उनका तन भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनके नाम पर इतने सारे मंदिर, इतने सारे आश्रम बनाए गए हैं और बहुत सारे सुंदर साथ उनके नाम पर फिदा है। उनके प्रागट्य उत्सव पर और उनके धाम गमन के अवसर पर बहुत सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं और उन्हें याद करते हैं, उनके नाम की आरती करते हैं। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी, उनके पास भौतिक रूप से क्या था? कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने राज्य को जाहिर किया, राज्य को हृदय में बसाने के बाद, और आज परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के नाम से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और जो भी सुंदर साथ उन्हें याद करते हैं श्रद्धा पूर्वक और उनको प्रेम का स्वरूप मान करके, प्रेम का चांद मान करके उनको प्रेम से याद करते हैं। और ऐसे ही चाहे वो बाबा दयाराम जी हों, चाहे जितने परमहंस हो जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी परमहंसों की स्थिति वही है। वैसे ही स्थिति को बताते हुए कहते हैं, बड़े उमराव होवे अधीन। आप अगर मेरे ज्ञान को जाहिर करोगे तो बड़े बड़े लोग भी आपके अधीन हो जाएंगे और ऐसे ज्ञानी लोग, उमराव मतलब ऐसे ज्ञानी लोग भी आपसे तालीम लेंगे, आपसे प्रशिक्षण लेंगे। क्योंकि एक क्षेत्र में वो ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन परब्रह्म का जो ज्ञान आपके पास है वो किसी के पास नहीं। वैसे देखा जाए तो भीम भाई वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, गोविंद जी व्यास भागवत के प्रकांड विद्वान थे, चिंतामणि जी कबीर पंथ के सबसे बड़े आचार्य थे उस समय के, ऐसे बड़े बड़े विद्वान। और साथ में कायम मुल्ला है, शेख बदले, आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे कि बड़े बड़े जो काजी हैं, मौलवी हैं, पंडित हैं, ये सभी श्री जी के शरण में आए हैं, सुंदर साथ के बीच में बैठ करके वो ज्ञान सुन रहे हैं, उस बात को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। अगर आप श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे और नहीं कराएंगे तो आप क्या सुनाने जाएंगे? आज एक हास्यास्पद बातें देखने को मिल रही है। आप तारतम ज्ञान ग्रहण करने के बावजूद, वाणी की महिमा का ज्ञान होने के बावजूद भी एक व्यापार के नाम पर आप भागवत की कथा कर रहे हैं, आप गीता की चर्चा कर रहे हैं, गीता पर चर्चा कर रहे हैं। ये ठीक है, गीता की चर्चा करना, भागवत की चर्चा करना, वेद की चर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन दो परिस्थिति है भिन्न भिन्न। आप गीता के माध्यम से, मान लीजिए गीता में तीन पुरुषों की विवेचना की गई है, उन तीन पुरुषों के माध्यम से आप वाणी का आश्रय लेकर के, वाणी का सहारा लेकर के आप तीनों पुरुषों की पहचान कराते हैं। गीता में जहां पर पुरुषं स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तो अनन्य लिखा है, उस अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा आप वाणी के आधार पर करते हैं तो ठीक है। आप भागवत की केवल ब्रज और रास की चर्चा को लेकर के, ब्रज और रास में लीला करने वाले उस परब्रह्म की पहचान वाणी के द्वारा करा रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सिर्फ एक व्यापार के नाम पर, क्योंकि भागवत से लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो आप अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं और वाणी को वरीयता न दे करके आप इन ग्रंथों की चर्चा सुन रहे हैं, तो ये तो आप दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जिनके पास वाणी का ज्ञान नहीं है वो भी गीता की चर्चा करते हैं। अगर वाणी के ज्ञान को निकाल दिया जाए, थोड़ी देर के लिए वाणी के ज्ञान को निकाल दिया जाए, तो आपसे बहुत बड़े बड़े विद्वान इस संसार में भरे पड़े। गीता पर आप क्या चर्चा करेंगे? आज आप इस्कॉन में जाकर के देख लीजिए गीता का प्रवचन जिस तरह से वो करते हैं। आज आप दूसरे अन्य संप्रदायों में जाकर के देख लीजिए, संस्कृत के प्रकांड विद्वान वहां पर भरे पड़े हैं। आप भागवत की, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, भागवत के ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं। थोड़ी देर में, कुछ दिनों के बाद आप रामायण की कथा करने लग जाएंगे, रामायण की चर्चा करने लग जाएंगे। वाणी के ज्ञान को अगर एक तरफ रख दिया जाए, आपके अंदर से वाणी के ज्ञान को निकाल दिया जाए, आप मुरारी बापू की तरह तो भागवत, आप रामायण की कथा नहीं कर सकते।
आप डोंगरे जी बापू की तरह भागवत की कथा नहीं कर सकते, इस्कॉन वालों की तरह आप गीता की चर्चा भी नहीं कर सकते, आपके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। आपकी अगर योग्यता कहीं से देखी जा रही है, अगर आपको बड़ा बनाया जा रहा है, तो वो वाणी के कारण, क्योंकि वाणी के द्वारा आपको गीता भागवत और जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ है उनके रहस्यों का पता है, लेकिन आप उन रहस्यों को खोलने के बजाय उन्हीं ग्रंथों की चर्चा, उन्हीं ग्रंथों की महिमा गाने में अगर लग गए, तो फिर आप भी उसी पंक्ति में खड़े हो रहे हैं जिस पंक्ति में श्री जी ने उन हाथियों के खरियानों को खड़ा किया है। इसलिए हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। जो भी सुंदर साथ ब्रह्मवाणी को पाने के बावजूद भी ब्रह्मवाणी को वरीयता न देकर के अगर दूसरे ग्रंथों को महान बताता है, दूसरे ग्रंथों की ही चर्चा करने लग जाता है, लोगों के बीच में वाहवाही बटोरने के उद्देश्य से, अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, तो वह सुंदर साथ होते हुए भी उसे भी काफिर की संज्ञा दी है। अब कहते हैं, जैसा काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाई बलिए, उन सब सुंदर साथ के लिए। आज क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के मुख से मैंने सुना, उनसे जब ये बात कही जाती है कि आप प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के रूप में क्यों नहीं जाहिर कर सकते, कहते लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर हम उनको अक्षरातीत कहेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, इसलिए हमें उनको महापुरुष ही दिखाना पड़ेगा। क्या फायदा फिर वाणी की चर्चा करने का, अगर आप वाणी का मूल लक्ष्य ही यही है कि आपको अक्षरातीत को इस दुनिया में जाहिर करना है। वाणी का मूल लक्ष्य और क्या है कि अक्षरातीत की पहचान इस संसार में सबको हो, आपको चर्चा करने का तो उद्देश्य यही है। अगर आप ये कहते हैं कि प्राणनाथ जी को अक्षरातीत हम साबित नहीं कर सकते, तो फिर आप वाणी की चर्चा करना बंद कर दीजिए। यहां पर कह रहे हैं, जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाई बल, बल दिखाना पड़ेगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अगर आप हिम्मत नहीं कर सकते, आप लोगों के दबाव में आ जाते हैं कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लोग हमारी बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, आप सत्य कहने की हिम्मत तो कीजिए। आप अपने, आप चाहे किसी को भी अपना गुरु मानते हो, चाहे परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी हो, मंगल दास जी हो, अगर इन्होंने भी ये सोचा होता, इन्होंने भी ये सोचा होता कि लोग हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जिस समय में परमहंस महाराज श्री मंगल दास जी पहली बार ज्ञान के प्रचार के लिए निकल रहे थे, तब उनके अनुयायी कितने थे, वो भी अकेले ही चले थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत की, सत्य ज्ञान कहने की शुरुआत की, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, आप लोग भी वैसे ही तो जुड़े हैं। श्री जी स्वयं वाणी का ज्ञान देने के लिए निकले, अगर वो भी सोचते कि ब्रह्म सृष्टियां जुड़ेंगी कि नहीं, क्या होगा, तो क्या होता। इसीलिए काम जितना बड़ा है, बल भी वैसा ही दिखाना पड़ेगा, और ये बल ब्रह्म सृष्टियां ही दिखा सकती हैं। अगर आप अपने आप को ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको बल वैसा ही दिखाना पड़ेगा। आप ये कहें कि अरे कैसे काम चलेगा, प्राणनाथ जी को हम अक्षरातीत कैसे साबित कर सकते हैं, दुनिया के लोगों का जवाब नहीं दे सकते, जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर यहां जवाब नहीं दे सकते कह करके आप ये कहते हैं कि यहां पर हम लोगों की बातों का जवाब नहीं दे सकते, आपको फिर सातवें दिन न्याय के दिन की लीला में आपको फिर वहां जवाब देना पड़ेगा कि आप धर्म के अग्रगण्य होकर के आप लोगों ने हमें गलत राह दिखाई है, जो आपके अनुयायी है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको आप वैसा सिखा रहे हैं, या तो यहां पर उनको जवाब दीजिए या फिर वहां जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए बल करना है, कहते हैं जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, ना तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल। कहते हैं कि अगर आप वैसा बल नहीं दिखाएंगे तो फिर इनके मन में भी संशय होगा। आज अगर आप प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, करा पा रहे हैं, कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा। लोग आज पहले की तरह नहीं है, पहले क्या किया जाता था, खुद जवाब नहीं दे पाते थे तो लोग सवाल ना करें इसलिए क्या करते थे, वाणी को पढ़ने से पाप लगता है, वाणी को तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, पास में नहीं जाना चाहिए, खोल के नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहते थे। मैं बचपन में लगभग 8-9 साल का था, तब की घटना है, एक
मेरी जन्मभूमि में जहाँ मेरा मैं पैदा हुआ उस गांव के पास में एक मंदिर है। उस मंदिर में मैं गया था प्रणाम करने के लिए, तो जहाँ सिंहासन रखा हुआ है, तो सिंहासन के मैं जैसे ही पास में पहुंचा, वहाँ के पुजारी ने मुझे डांट के भगा दिया कि नहीं, दूर से दूर से दूर से। मैं चौंक गया, एक छोटा सा बच्चा था, मैं कहा क्यों दूर से कह रहे हैं। मुझे लगा कि हो सकता है उस समय में वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो बहुत खराब थी, संकट काल चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद सुरक्षा के दृष्टिकोण से दूर दूर कर रहे हैं, पास में किसी को नहीं जाने दे रहे। फिर भी मैंने पूछ ही लिया हिम्मत करके कि दूर दूर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि पास में जाने से पाप लगता है। मैं कहा ये तो ऐसी बात हो गई कि कीटाणु मारने वाले साबुन में ही कीटाणु लग गए, कीड़े मारने वाली दवाई में ही कीड़े पड़ गए। इससे क्या हुआ, मैं एक और घटना सुनाता हूँ। खम्बात का नाम आप सबने सुना होगा, मैंने वहां की घटना सुनी थी। इसमें कितनी सच्चाई है राज्य जाने, या फिर वहां जिन सुंदर सात के बीच में ये घटना घटित हुई है वो जान सकते हैं, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। मैंने सुना था कि खम्बात में दो मंदिर है, निजानंद संप्रदाय के दो मंदिर है। उनमें से एक मंदिर के अंदर सुंदर सात कई वर्षों से सिंहासन में रुमाल में कुछ लपेटा हुआ था, क्या लपेटा है पता नहीं, राज्य मान करके उस रुमाल, उस लपेटी हुई वस्तु को ऊपर से और चमकदार रुमालों से ढका हुआ है, और फिर ऊपर से अच्छे अच्छे वो मालाएं रख रखी हैं, और फिर कई वर्षों से का मतलब जब तक ये सच्चाई जाहिर नहीं हुई तब से लेकर के उसको राज्य मान करके, राज्य का स्वरूप मान करके पूजा कर रहे थे, आरती भोग परिक्रमा सब लगा रहे थे, सब सुंदर साथ आते थे उसी को प्रणाम करते थे। अब जैसे जैसे वाणी का प्रचार होता गया, एक दिन वहां के सुंदर साथ ने सोचा कि चलो वाणी खोल करके देख लेते हैं क्या है। तो वहां के पुजारी जी ने जब हिम्मत करके सुंदर साथ के बीच में हिम्मत करके जब खोली उस रुमाल को जब खोला तो पता चला कि इसमें तो वाणी की एक भी चौपाई नहीं है, गीता उसमें रखी हुई थी, कुछ संतों की वाणी उसमें रखी हुई थी, और सेवा पूजा थी। खोल के न देखने का परिणाम ये हुआ। तो आज वैसे स्थिति नहीं है, आज तो प्रत्येक सुंदर साथ के घर में वाणी है। आज आप लोगों को किसी आश्रम में मंदिर में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आज संचार की सुविधा ऐसी राज्य की मेयर से कि हर जगह पे सुंदर साथ अपने घर में बैठे बैठे वाणी की चर्चा, वित्तक की चर्चा सुन सकता है। अब आज अगर आपको कोई सवाल पूछे कि गुरुजी आप तो ऐसा कहते हैं, प्राणनाथ जी का जन्म कहते हैं, प्राणनाथ जी का धाम गमन कहते हैं, उनके माता पिता का वर्णन करते हैं, और ये लोग दूसरे वर्ग के लोग हैं, प्राणनाथ जी को अक्षरातीत कहते हैं, और मैंने जब खोज की तो बीतक में मुझे ये चौपाई मिली, वाणी में ये चौपाई मिली, तो आप बताइए सच्चाई क्या है। तब आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे, फिर वाणी भी झूठी है या बीतक झूठी है। इसलिए जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जैसे काम पर गए हो सो तैसा ही दिखाइयो बल, ना तो शक आवेगा इनको वही राखियो कल। इसलिए संशय होने वाला काम मत कीजिए। आप वाणी को बेशक इलम कहते हैं, आप भी राज्य के ऊपर प्राणनाथ जी के ऊपर संशय न लाइए, और अपने अनुयायियों को, अपने चाहे आप शिष्य कहें, अनुयायी कहें, सुंदर साथ कहें, उनको भी संशय में मत डालिए, अन्यथा क्या होगा। कहते ना गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव, भाव सागर में डूबते बैठ पत्थर के नाव। आप खुद तो पत्थर के नाव में बैठे हुए जानबूझ करके बेचारे अपने भोले भाले शिष्यों को जबरदस्ती टाइटैनिक बोल करके पत्थर के नाव में क्यों बैठा रहे। आगे कहते हैं जो तुम्हारे बलसो उत मेरा जोरा हो। प्राणनाथ जी सुंदर साथ को इतनी बड़ी शोभा दे रहे हैं। वैसे तो सुंदर साथ भी प्राणनाथ जी के बल से, श्री जी के बल से वहां पर गए हैं, लेकिन सुंदर साथ को शोभा देने के लिए कहते हैं आपके बल से वहां पर मेरा जो कुछ भी हो रहा है, मेरा जोर वहां चल रहा है, और बल मेरे से ए तुमको माने से, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर ब्रह्म सृष्टियों का बल राज्य है तो राज्य का बल ब्रह्म सृष्टि है। कहते हैं कि मेरे बल से तुम्हारी बात ये मानेंगे, और तुम्हारी बात मानने से तुम्हारे बल से ये मेरी पहचान करेंगे, और भविष्य में कहते हैं सब भला होएगा। तुम जिन हो दिलगिर, आप सबको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, और जो मोर्चा तुम लिया सो हक्के दिया कर धीर राज्य ने। धैर्य पूर्वक आपने जो मोर्चा लिया है, मोर्चा लेने का मतलब आपने जो युद्ध संभाला है उसको राजी पूरा करेंगे। जरा तुम मन में दगदगा लियाओ जिन, ये सब सुंदर साथ के लिए, कि थोड़ा सा भी अपने मन में दगदगा मतलब थोड़ा सा भी संशय नहीं लाना है। और ये लड़ाई है वचनों की, ये लड़ाई ज्ञान की है, ये लड़ाई भक्ति की है,
ये लड़ाई भौतिक नहीं है, हथियारों की लड़ाई नहीं है। आज समाज में क्या हो रहा है, मतभेद के नाम पर जो मन में भेद आ गया है उसके कारण मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी है। एक घटना आसाम की है, आज से लगभग 15-20 साल पहले एक महात्मा जी वहां पर वाणी का प्रचार करने के लिए गए थे, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कराते थे। मंदिर में जाकर के सुंदर सात के बीच में जाकर के बेचारे साइकिल से अलग अलग गांव में जाकर के चर्चा करते थे। अब जिनको जिनकी ये विचारधारा थी कि प्राणनाथ जी तो किसी के गुरु हैं, किसी के शिष्य हैं, किसी के भक्त हैं और ये फलाने के पुत्र हैं, तो जिनकी विचारधारा थी उन्होंने एक दिन क्या किया कि वो महात्मा जी प्रचारक साइकिल चला करके जा रहे थे, उन्होंने पीछे से बड़ा सा पत्थर उनको फेंक करके मारा, लेकिन चूंकि वह साइकिल में थे पार हो गए। फिर उन्होंने वहां के आसपास में जो आर्मी कैंप था वहां जाकर के शिकायत कर दी कि ये लोग तो धर्म विरोधी है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तान के एजेंट है, फलाना ढिमका कह करके पुलिस वालों को वहां पर भेज दिया, पुलिस की जांच आई। लेकिन जब वास्तविकता का पता चला उल्टा उन्होंने उन लोगों को डांट लगाई। तो क्या हुआ, वचनों की जो लड़ाई थी, ज्ञान की लड़ाई थी, उसको इन्होंने भौतिक लड़ाई बना दिया। आज से 5 साल पहले की एक घटना है, 2014-15 की एक घटना है। देखिए वचनों की लड़ाई कैसी होनी चाहिए और कैसी कर दी है आज के लोगों ने मन भेद करके, कि दो सुंदर साथ वहां हो रहे कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए जा रहे थे बैनर वगैरह लेकर के, और उन बैनर में वाणी की चौपाइयां लिखी हुई थी, ब्रोशर वगैरह तैयार किया था। तो दूसरा एक गुट है, वो भी सुंदर साथ ही है, उसी वाणी को मानता है और उसी वाणी की वो ये कहते हुए आरती करता है कि आरती अंग चतुर्दश केरी 5 स्वरूप में लेक बहरी। लेकिन जब सुंदर साथ उनके गांव में गए चर्चा उसका निमंत्रण देने के लिए, उन्होंने उस बैनर को फाड़ करके जमीन में फेंक दिया। तो ये कैसा ईमान है और ये कैसी लड़ाई है। श्री जी कह रहे हैं ये लड़ाई है वचनों की, ये वचनों की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है, इसको भौतिक लड़ाई नहीं बनानी है। और इस ज्ञान की लड़ाई को कैसे लड़ना है, कहते हैं सो करनी ले आके नहीं, यकीन लेकर के राज्य के ऊपर विश्वास ला करके, इस ज्ञान के ऊपर विश्वास ला करके हमें ये लड़ाई करनी है। अब वस्त्र प्रकाश ही अपने ही बल से, पर यह बात जो न हो सीता विषय। और ये जो कार्य है हमें अपने बल से, अपनी दृढ़ता से, अपने भक्ति और ज्ञान के बल से, राज्य के प्रेम के और राज्य के प्रति ईमान के बल से हमें यह लड़ाई लड़नी है। और ये जो काम है ये सिताबी से अर्थात जल्दीबाजी से होने वाला काम नहीं है, ये माया ही छल रूप है, इसको छल पूर्वक ही जीता जा सकता है, तो जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ये माया छल रूप है, ताको छल ही से जीताए, आगे भगवान जी के बल बहुत कहलाए। भगवान विष्णु जी का उदाहरण दिया, कहते हैं वैसे तो भगवान विष्णु बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने भी जब मायावी राक्षसों से युद्ध किया तो उन्होंने भी नीति का प्रयोग किया। या छल और नीति दोनों में फर्क है, ठीक है। यहां जिनको छल कहा जा रहा है इसका मतलब है कि सीधे आमने सामने की और मूर्खों वाली लड़ाई नहीं करनी है, नीति पूर्वक लड़नी है। जैसे कृष्ण जी ने जरासंध को भीमसेन के माध्यम से मरवाया था, वो नीति थी। महाभारत की लड़ाई में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह ऐसे महारथियों से सजी सेना का सामना किया कृष्ण की नीति के कारण। उन्होंने छल नहीं किया था वहां पर, कपट नहीं किया था। अगर ऐसी धर्म नीति वो नहीं अपनाते, धर्म के रक्षा के लिए वो नीति नहीं अपनाते तो रक्षा नहीं हो पाती। इसलिए उस नीति को भी वैसे छल की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई उन्होंने नहीं की। अगर राम बाली के सामने आते तो बाली को नहीं मार पाते क्योंकि उसको वैसा वरदान प्राप्त था। तो एक नीति थी धर्म की रक्षा के तहत, इसलिए कहते भगवान ने भी वैसे किया, उन्होंने भी तो भी असुरंसो जीते हैं, छल से ही उन्होंने जीता। और हमने भी क्या किया, कहते हैं हरजी व्यास सो युद्ध किया, जब हरजी व्यास के पास गए थे। सीधी लड़ाई करने का मतलब है अगर व्याकरण के आधार पर श्री जी चर्चा करने लगते तो बहुत लंबा समय लगता, निर्णय भी कोई नहीं निकल पाता। इसलिए हरजी व्यास ने जो बात शुरू की भागवत की, श्री जी ने जी जी कहते हुए सुनना शुरू किया। एक वचन हरजी कहे मैं 10 बार लागू चरण, श्री जी तो 10 बार उनके चरण पकड़ करके कहते थे कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब अवसर मिला, कहते जब लाग आयो तब उठाए कियो मरण, मतलब जब अवसर आया तो मैंने उनको मरणासन कर दिया। मरणासन करने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको उठा के पटक दिया, बूढ़े थे और मरणासन हो गए, ऐसा नहीं।
ज्ञान दृष्टि से उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, ऐसे उनको बांध दिया कि कुछ बोलने के काबिल वो ना रहे। अब कहते हैं तब फिर तीन ने पकड़े मेरे कदम। पहले मैंने उनके चरण पकड़ पकड़ करके 2 महीने तक घटनाएं सुनी, भागवत की कथा सुनी, और बाद में अवसर आने पर उन्होंने मेरे चरण पकड़े। और अब कहते हैं तिस वास्ते तुम बार हो, सब सरे सौंपया तुम, सारी शरीयत के लोगों को मैंने आपको सौंप दिया है, आप उनके साथ में वैसा लड़ाई करना। कहते हैं जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, जैसा बाजा बज रहा है वैसा ही नृत्य करना है। अगर 16 मात्रा बज रही है आपको 6 मात्रा में नहीं नाचना है, 16 मात्रा में ही नाचनी है। कहते हैं जिस तरह के लोग आए, जैसा बाजा बज रहा है, अगर शरीयती मुसलमान है आप कुरान से बात करेंगे, अगर हिंदू आए तो उनको उन्हीं उसी हिसाब से बात करेंगे। कहते हैं जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, पर बड़ी यह बात है हिलमिल एक रस होना। अब सुंदर साथ की एकता के लिए इस चरण में कह रहे हैं कि आप 12 सुंदर साथ हैं, सभी की विचारधारा भिन्न भिन्न हो सकती है, सभी के कार्य करने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन हृदय से सब एक रस होकर के रहना। अब आगे कह रहे हैं पीछे तुमको सब आप ही खुल जाए, और बाद में धीरे धीरे करके राज्य के हुक्म से सारी बातें आपको अपने आप ही समझ आने लग जाएगी, आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बता, राज्य आपको रास्ता दिखाते जाएंगे, यही ईमान है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मतलब हम सुंदर साथ ईमान को समझ नहीं पाते ढंग से। वाणी की जब हम चर्चा करते हैं, वाणी की जब हम चर्चा सुनते हैं, एक चौपाई आती है, बेसक इल्मे ना समझे तो सौर करो सब मिल। इस चौपाई का लगभग अधिकांश विद्वान यही भाव लगाते हैं कि अगर आपको बेसक इल्म से समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब विचार विमर्श कीजिए, सौर का ये अर्थ लगाते हैं। जब बेसक इल्म से समझ में नहीं आ रहा तो आपकी बुद्धि से विचार करने से समझ में कैसे आएगी? तो यह सौर का अर्थ कुछ दूसरा है। इस चौपाई में भी उसी भाव को संकेत पूर्वक वर्णन किया है। सौर का अर्थ क्या होता है? इधर आप उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोलचाल की भाषा में सौर का मतलब होता है चाल चलन। यहां क्या है, बेसिक इल्म में ना समझे तो सौर करो सब मिल, इसका मतलब यह है कि अगर आपको ज्ञान दृष्टि से कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपके दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तर्क आ रहे हैं, तो आप जितनी बात समझ में आ रही है उस पर चलना शुरू कर दीजिए, उसके लिए चाहिए ईमान। क्योंकि पूरी बात समझ में नहीं आ रही फिर भी आप चलना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि आपको ईमान है। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे करके आस्ते आस्ते सब हो, ऐसा कह रहे हैं। आकले काम शैतान के ठंडे हक से होए सोए, ये अगली चौपाई है। तो आप धीरे धीरे इस रास्ते पर जैसे चलना शुरू करेंगे, मान लीजिए ईमान कैसे होता है, मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूं। आप रात को कभी भी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, सरसावा से दिल्ली 200 किलोमीटर है, रात को आपको यात्रा करने की मजबूरी है, आप यहाँ गाड़ी में बैठ करके चाबी घुमाते हैं और हेडलाइट जलाते हैं, तो हेडलाइट जलाने पर आपको कितनी दूर तक का दिखाई पड़ता है? लाइट अगर बहुत तेज होगी तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी जा सकती है, लेकिन आपकी आँख की क्षमता उतनी नहीं है, आप 100 मीटर 200 मीटर तक देख सकते हैं गाड़ी की फ्लैश लाइट से। अब लेकिन आप करते क्या हैं, आप ये तो नहीं कहते कि मुझे ये गाड़ी की लाइट सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही जा रही है तो हम दिल्ली नहीं जा सकते, ऐसा कहकर के लाइट बंद करके गाड़ी से तो नहीं उतर जाते ना। आपको पता है, आप ये जानते हैं कि हम जितना आगे जाते जाएंगे गाड़ी की हेडलाइट से रास्ता वैसे वैसे ही हमें दिखता जाएगा, और फिर उस पर विश्वास करके, क्योंकि आपको पता है, तो उस पर विश्वास करके आप आगे चलते जाते हैं, प्रकाश भी आपके साथ साथ आगे चलता जाता है, और उसी प्रकाश के सहारे आप दिल्ली तक, अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ईमान भी वैसा ही है। आपको वाणी की सारी बातें समझ में नहीं आ रही तो जितनी बातें समझ में आ रही है उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए, उस पर सौर करना शुरू कर दीजिए। बेशक इल्मे ना समझे, ज्ञान से समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्यवहार की दृष्टि से समझना शुरू कर दीजिए। जितनी बातें समझ में आ रही आप धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, तो चलने से क्या होगा, वाणी पर आप जितना चलना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके पात्रता बनती जाएगी। आपने अपने एक अवगुण को हटाया, वाणी की एक चौपाई को आत्मसात किया, तो आपकी पात्रता थोड़ी सी बनी, आप 1 किलोमीटर आगे पहुंचे हैं, ज्ञान का प्रकाश आपके साथ साथ में है। अभी
बेशक इलम रूपी हेडलाइट का प्रकाश आपके साथ साथ में, आपने सौर भी करना शुरू कर दिया तो प्रकाश आपके साथ साथ में चल रही है। अब आप 1 किलोमीटर आगे पहुंचे, अब आप किसी उस बात को आप आत्मसात कर चुके हैं। अब जो थोड़ी सी और बात समझ में आती है आगे बढ़ने के बाद, आपका स्तर थोड़ा और ऊपर उठा तो उसको अमल में लाना शुरू कर दीजिए। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, पात्रता बनती जाएगी। पूरी वाणी में गारंटी देकर लिख करके कह सकता हूँ कि इस संसार में पूरी वाणी किसी को भी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वाणी जिनके माध्यम से अवतरित हुई उनके स्तर में नहीं पहुँचेंगे। इंद्रावती जी के उस स्तर के जो जितना नजदीक पहुंचता जाएगा वाणी उसको उतनी ही समझ में आती जाएगी। इसलिए अवस्था बनानी है, पात्रता बनानी है, योग्यता बनानी है। वो सिर्फ बेसक इलम से नहीं होगी, वो सौर से होगी। वो योग्यता, वो पात्रता सौर से, चाल चलन से आएगी। इसलिए वाणी को हमें आत्मसात करते जाना है, उस पर अमल में लाते जाना है। तो धीरे धीरे हमारी अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ऐसा उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो प्राइमरी में पढ़ रहा है उसको सीधे पीएचडी का कोई सवाल दिया जाए उसको समझ में नहीं आएगी। इंग्लिश का एक उदाहरण ले लेते हैं कि इंग्लिश की पीएचडी के लेवल का कोई क्वेश्चन उसको पूछा जाए, कोई सवाल उससे पूछा जाए और ये कहा जाए कि तुमको इसका उत्तर मालूम नहीं हुआ इसलिए तुम पीएचडी नहीं कर सकते, तुम इंग्लिश में पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहते हैं तो आप गलत है ना। फिर ये उदाहरण तो सबको सरलता से समझ में आनी है। अब उसका लेवल है एक, वो प्राइमरी में भी जब पढ़ रहा है तो इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ता है, जब वो सेकेंडरी लेवल में जाता है तब भी 8 ही होते हैं उसमें भी, जब वो हाई स्कूल में जाता है तब भी 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जब वो प्लस टू करता है तब भी उतने होते हैं, जब वो ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है, ग्रामर कोई कुछ नहीं बदलता, ग्रामर के पार्ट्स वही होते हैं, सिर्फ उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो अपना स्तर बढ़ाता जाता है, प्राइमरी का उसने पार कर लिया तो वो फिर सेकेंडरी का उत्तराधिकारी होता है, फिर सेकेंडरी के उत्तराधिकार को पार करता है तो वो फिर हाई स्कूल का उत्तराधिकारी होता है। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो पीएचडी कर लेता है, वो डॉक्टरेट कर लेता है। वैसे ही जितना हमें जितनी बातें समझ में आ रही है उस पर हम अमल करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके हमें आगे का प्रकाश होता जाएगा। इसीलिए श्री जी कह रहे हैं कि आस्ते आस्ते होएगा, आप ही हक बताए। धीरे धीरे राज्य की मेहर से वो सारी बातें समझ में आने लगेगी। और इसी बात को गीता में एक श्लोक के अंदर दर्शाया गया है और इस बात को अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। गीता के जितने भी विद्वान हैं आज के, एक श्लोक है, शायद ये श्लोक सबको याद होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये श्लोक लगभग सभी गीता के प्रेमियों को याद रहता है और इसका अर्थ ये लोग ये किया करते हैं कि कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर के मेरी शरण में आ। सोचिए उस समय में एक सनातन धर्म के अलावा और कौन सा था, ना इस्लाम मत था, ना ईसाई मत था, ना बौद्ध, जैन, कन्फ्यूशियस, यहूदी, कोई भी तो धर्म नहीं था। तो सभी धर्मों को छोड़कर के मेरी शरण में आ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कहने का क्या तात्पर्य है कि इससे पहले, ये 18वें अध्याय का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये 18वें अध्याय का श्लोक है। इससे पहले 17 अध्याय में किसी में ज्ञान योग की बात की है, किसी में सांख्य योग की, किसी में कर्म योग की बात की है, तो किसी में राजयोग की बात की, अलग अलग योगों की जब बात की, उन योग को धर्म की संज्ञा दी है क्योंकि उन योगों को धारण करना है ना। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म थोड़ी है जिनको धारण किया जाता है। तो कर्मयोग का मतलब कर्म को धारण करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उन्होंने कहा। वैसे ही राजयोग का मतलब उस चीज को धारण करना, सांख्ययोग का मतलब उस चीज को धारण करना। तो जब 18वें अध्याय में पहुंचने के बाद अर्जुन का यह कहना था कि आपने जो बातें पहले ही बताई वो सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है, बुद्धि से वो सारी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा कि तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तू मेरी बात मान, फिर मेरे शरण में। इसका मतलब है कि तू मेरी बात मान, मेरी अगर तू बात मानेगा तो मैं तुझे उन सभी पापों से दूर कराऊंगा, अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्ष इसे में मासूच। क्योंकि अगर कृष्ण की बातों को भी वो मानते, ज्ञान समझते या नहीं, लेकिन कृष्ण क्योंकि उस अवस्था में पहुंच चुके हैं ना, तो अर्जुन ज्ञान को समझे या नहीं लेकिन कृष्ण की बात को मानते जाते तो अर्जुन के अंदर ये पात्रता धीरे धीरे करके आती जाती कृष्ण के
कृष्ण की बात मानने से, तो जैसे जैसे पात्रता आती जाती उन बातों को भी वो समझ पाते, इसीलिए उसमें कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जितनी हमें बात समझ में आती है उस पर हम अमल करते जाएंगे तो धीरे धीरे राज्य की मेहर से सारी बातें खुलती जाएंगी। उसी को श्री जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही हक बताए। अब कह रहे हैं, पहले ये सूचित कर सुनने बैठे जब, सो उनके हृदय वचन लगे तब। कहते वचन, आपके वचन उनके हृदय में कब लगेंगे? कहते अपने चित्त को जब सु करेंगे, सु मतलब अच्छा करेंगे, अपने चित्त को जब पवित्र करके आपकी चर्चा आपके ज्ञान को सुनने के लिए बैठेंगे तो आपकी बातें उनके हृदय में लगेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे लिए भी ये सिखापन है कि अगर हम किसी ज्ञान को समझना, उस पर उसको पाना चाहते हैं तो हमें पहले अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। साफ हृदय में, शुद्ध हृदय में ही ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। अब कहते हैं, तब उन्हें दया उपजे जब वह घायल होए। अगर शुद्ध हृदय से ज्ञान की चर्चा सुनने बैठेंगे, ज्ञान से जब घायल होंगे, मतलब ज्ञान से जब इनको चोट लगेगी तो उनके हृदय में दया उपजेगी दूसरों के लिए भी। तब चित दे इन्हें सुने और तुम पर अनेक आवेश होए। और जब ये चित दे करके सुनेंगे, दया उपजेगी, तो ये लोग दूसरों को भी लेकर के आएंगे तो अनेक लोग आपके पास आने लग जाएंगे। तो जो लोग भी आपके पास आए तिनको तुम वचन कहो, तब मिट जाए अंतरा। इनको आप फिर वाणी से समझाना, ज्ञान से समझाना, जिससे कि अंदर के सारे भेद समाप्त हो जाए। जाको होवे प्रकाश सो आपे ही जग जाए। जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा वो फिर अपने आप ही जग जाएगा। तुम आकले होए ना उरझियो। अब आप आकले होकर के, मतलब जल्दीबाजी करके नहीं उलझना, सब काम दुरुस्ती से होए, आराम से धैर्य पूर्वक। दुरुस्ती का देखिए दो चीज है, एक है धैर्य और दूसरा है दीर्घसूत्रता। अगर बात करें तो दोनों एक जैसी लगती है। दीर्घसूत्रता मतलब आराम आराम से काम करना, धैर्य मतलब भी आराम से काम करना, लेकिन एक है सकारात्मक पक्ष में और एक है नकारात्मक पक्ष में। धैर्य का तात्पर्य क्या है कि इस विश्वास के साथ प्रयास करना कि मैं इस कार्य में सफल होने वाला हूं, और अगर उस कार्य की सफलता की राह में कोई बाधा भी आ रही है तो उस बाधा को, बाधा की परवाह किए बगैर प्रयास करते रहना, उसको कहते हैं धैर्य। और दीर्घसूत्रता का मतलब क्या होता है कि एक काम जो 5 मिनट में आप कर सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता तो है, कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन 5 मिनट के काम को आप अगर 1 घंटा लगा देते हैं, धीरे धीरे किसी से बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जो काम 5 मिनट में होना चाहिए उसको 1 घंटा लगाना, 1 दिन के काम को महीना महीना लगा देना, कल करूँ करते ना, और आज करे सो कल करे सो परसों, जल्दीबाजी क्या करे, अभी जीना है बरसों, ये दीर्घसूत्रता। यहाँ पर कह रहे हैं धैर्य रखना है, दीर्घसूत्रता के लिए नहीं कह रहे हैं। कहते हैं आकले काम शैतान के, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, मतलब वो काम बिगड़ जाता है ठंडे हक से होवे सोए। और राज्य का कार्य तो ठंड से मतलब धैर्य पूर्वक काम करना है। अब आप सब सुंदर साथ के लिए हमने भाई बदल कांजी भेजे हैं तुम पास, शेख बदल और कांजी भाई को आपके पास भेजा है, आप उनसे विचार विमर्श करना और कांजी भाई को अपने पास रखना। जो भी बातें मुझ तक पहुंचानी हो तो वो संदेश, वो सूचना तुम कांजी भाई के माध्यम से हमें बताना। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो, कहते जो तुम्हारी आज्ञा तो हम पड़े बाहर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ से बाहर निकलें, और अगर आप चाहते हैं कि हम बंधे रहें, हम इसी जगह पर रहें, तो भी हम यहीं पर रहेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम एक ही जगह पर बंधे रहे? कहते हैं पर हम उलझे रहेंगे। अगर हम इसी जगह पर रहते हैं तो उलझे रहेंगे, ना हम कोई कार्य, ना आपकी कोई सहायता कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप अनुमति देते हैं तो हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। देखिए श्री जी ने सुंदर साथ को, उनको इतना बड़ा दर्जा दे रखा है कि सुंदर साथ से भी वो सलाह मशविरा लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें, अगर हम किसी एक मिशन से, लक्ष्य से जुड़े हुए हैं तो हमारे अंदर वो डिक्टेटर, कहते हैं ना तानाशाही प्रवृत्ति, ये नहीं होनी चाहिए। सबसे सलाह लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आज क्या होता है हमारे समाज में,
जो भी थोड़ा सा अग्रगण्य बन जाता है, जिसके पास 15, 20, 50, 100 लोग जुड़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो अब बहुत बड़े गुरु हो गए हैं, धर्म गुरु हो गए हैं, हमारे इतने सारे अनुयायी हो गए, तो हर जगह पर अपना फरमान सुनाने लगते हैं कि तुमको इससे बात नहीं करनी है, तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको वैसा नहीं करना है। और चलो यहां तक तो ठीक है, धार्मिक क्षेत्र तक तो चलिए मान लिया जाए कि तुम्हें इस तरह से ध्यान में बैठना है, तुम्हें ऐसे वाणी पढ़नी है, इसको तो सही मान लिया जाता है। लेकिन आजकल के जो गुरु कहलाते हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं, वो तो पारिवारिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ अपनी शिकायत कहते हैं कि सुंदर साथ जी ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, क्या करें। तो उनके उनके साथ ऐसी घटना होती है कि अगर वो सुंदर साथ किसी संस्था में अगर सेवा देना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है और कमाई अच्छी हो रही है, वो चाहते हैं कि राज्य को सेवा किया जाए, और अगर उनके किसी गुरु को पता चला जिनसे वो कभी चर्चा सुना करते थे या करते हैं, तो वो उस परिवार में फोन करके कहते हैं कि तुमने फलाने जगह पे पैसा क्यों भेजा, सेवा क्यों भेजी। अरे जब उसने कमाया है, उसकी खुद की कमाई है, वो कहीं भी सेवा में जहां उसको आवश्यकता दिखे, जिस स्थान में उसको आवश्यकता दिखे, वो कर सकता है। लेकिन ये जो तानाशाही की प्रवृत्ति है, अध्यात्म के क्षेत्र में उचित नहीं है। श्री जी स्वयं साक्षात अक्षराती थे, उन्हें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं, और सुंदर साथ उन पर इतने फिदा है कि श्री जी जो कहें वो करने के लिए तैयार है। फिर भी श्री जी सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कहते हैं कि आप जैसा आदेश करेंगे मेरे लिए वही सर्वमान्य रहेगा। आप अगर कहेंगे, आप अगर अनुमति देंगे, तो मैं यहां से निकलूंगा, जाकर के दूसरे राजा को जगाने का प्रयास करूंगा, तो मैं आपकी मदद भी कर पाऊंगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं श्री जी आप मेरा यही रहना सही है, तो मैं यही रहने के लिए भी तैयार हूं। अब कहते हैं अगर आपकी अनुमति हुई और मैं यहां से निकला, कहते और मोर्चे की तलाश मैं भेजो तुम्हारे पास, या भेजो खुद पे, वे आए करें बात। अगर मैं यहां से बाहर निकला तो मैं बड़े बड़े राजाओं को जगाऊंगा और राजाओं को आपकी मदद के लिए भेजूंगा, या मैं ऐसी स्थिति तैयार करूंगा कि औरंगजेब इनके पास आए और ज्ञान की चर्चा करे। कहते हैं जो मैं ठोर वहां करो तो तुम्हारा उपराला होए, तुमको कहने को होए, तुमको मिलने चाहे सोए। श्री जी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं यहीं पर रहूं जिस जगह पर अभी हूं, तो आपकी बात भी मैं मानूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। कहते हैं जिस वास्ते हुई इनायत, सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े है। मोहम्मद साहब जो कृपा करके कुरान का ज्ञान लेकर के आए हैं, वैसे तो जाहिरी मुसलमानों के पास वो है, लेकिन आप जब वहां पर गए उनके बीच में, तो तब इनको पता चला कि वास्तविकता क्या होती है, इस्लाम की वास्तविकता का पता उन्हें चला। कहते हैं आगे करें तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, लेकिन क्या हुआ, ज्ञान दृष्टि से इनको पता है कि आपके पास सर्वोपरि ज्ञान है, फिर भी इन्होंने आपको पीठ दे रखी है। अब होए रसूल का हुक्म, हम जाए पास उन्हें। अब रसूल मोहम्मद साहब ने जो कुरान में बातें लिख रखी है, ऐसी भविष्यवाणी लिख रखी है, एक प्रसंग आता है मूसा और हारून का, जो कि अभी कुछ समय के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में घटित होने वाली है, तो ये सारी बातें रसूल मोहम्मद साहब ने लिख रखी है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और भी हक सुभान ने जिनको शोभा देने वाले हैं, और सबको सारी शोभा देने वाले तो सुभान हक अक्षरातीत श्रीराज जी हैं, तो जिन जिन भी राजा को जगाना होगा, जिनके विषय में कुरान में भविष्यवाणी लिख रखी है, कहते हमको तहां खींच के, राजी हमें अपनी अंतः प्रेरणा से खींच करके उनके पास पहुंचावे, उनके ठोर ऐसे राजा के पास हमें अक्षरातीत श्री राजी मूल स्वरूप पहुंचाएंगे। और यही चीज तो कहते हैं इन भात का तुम भी जन्म का चाह किया, या जन्म का मतलब पहले से ही, आप सब सुंदर साथ ने भी पहले से यही इच्छा की थी कि इस तरह से औरंगजेब की जागनी हो, साकुमार सखी की जागनी हो। जब से देवचंद्र जी के मुख से चर्चा सुनी थी, क्योंकि कुछ सुंदर साथ वैसे भी थे जो देवचंद्र जी के समय के जुड़े हुए थे, उन्होंने भी ये चर्चा सुन रखी थी कि साकुंडल और साकुमार की आत्मा की जागृति होने के बाद सभी ब्रह्म सृष्टि परम धाम जाएंगे। तो कहते
कि जब शुरुआत से ही आपने ये इच्छा रखी थी कि साकुमार सखे की जागनी हो, ऐसा जान हम तुम पर एह मता दिल लिया, इसलिए हमने ये बात दिल में ली कि आपके द्वारा ये जागनी हो। सांची सोई हो गई जो हक के दिल में हो, राज्य के दिल में जो बात होती है वह बात ही सत्य होती है, वह बात सच्ची होती है। जो हमारा शोर शराबा सुने तो आंख उनकी भी खुले सोए, हमने जो ज्ञान रूपी शोर शराबा किया हुआ है, अगर हमारे इस ज्ञान के शोर को सुनेंगे तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, उनकी भी अंतर चक्षु खुल जाएंगे। और अब यहाँ तक की तो मैंने सिखापन आपको बताई, कहते हैं और तुमको कहने को होवे इसकी ठोर, अगर आपको इस जगह पे कुछ कहना है तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखिए, और अगर आपको कुछ और लिखना है तो जल्दी से पत्र लिख करके हमें भेजिएगा। कहते आज इस ठोर में हमारा नहीं फिरने का दिन, वैसे तो हमें यहाँ से जाने का मन नहीं है, पर क्या करें हक को यही गमता है मन। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल स्वरूप श्रीराज जी को यही मंजूर है, यही उनकी इच्छा है। कहते तो हमारा क्या चलत, अगर मूल स्वरूप राज जी ने ही दिल में ये विचार कर लिया है तो फिर हमारा क्या चलने वाला है, क्योंकि ये बात तो तहकीक निश्चित हो चुकी है। श्री महामती कहे ए मोमिनो और कहो हकीकत जी, महामती श्री लालदास जी कह रहे हैं कि आगे और भी हकीकत है चिट्ठी की जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब आगे कहते हैं आगे छोटी पत्री वही में पुरजी, पुरजी का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल तो वैसे चिट्ठी का जमाना नहीं है, फिर भी आज से लगभग 10-15 साल पहले तक चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ करता था। तो पुरजी का मतलब ये कि एक चिट्ठी लिख दी, उसको समाप्त करने के बाद याद आया कि अरे ये भी लिखना था, ये भी समझाना था, तो उसको लिख करके फिर उसको साथ में जोड़ करके भेजा, तो उसको पुरजी कहा गया। और इसमें छोटी पत्री के अंदर कुछ प्रसंग सुंदर सात के द्वारा कही गई है और कुछ प्रसंग श्री जी के द्वारा कही गई है। तो इस पत्र में कह रहे हैं ये समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। श्री जी ने हर जगह पर संदेश पहुंचाया है और श्री जी ने सुंदर सात को भी कहा है कि आपने जो इतना बड़ा काम किया है सब सुंदर सात को पत्र लिख करके समझाना, सूरत सिद्धपुर उदयपुर मेरता हर जगह पर साथ भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखी इत विद करत हो रोशन। शेख बदल जी के द्वारा पत्र भिजवाया गया और कहते हैं हम साकुमार बाई की बात का किया विचार, सब सुंदर साथ के लिए श्री जी पत्र लिख रहे हैं कि साकुमार को जगाने का, औरंगजेब को जगाने का हमने विचार किया, लेकिन कहते हैं ये तो साहेब भी बहुत बड़ी घुना घुन नहीं सुमार, मतलब इसके संसारिक चाहे वो सेना हो चाहे धन संपत्ति इसका कोई सुमार नहीं है, पारावार नहीं है, इसकी तो सेना की संख्या भी बहुत बड़ी है। एक समय ऐसा था जब संभाजी महाराज जो शिवाजी के पुत्र थे, तो संभाजी महाराज का जब राज्य चल रहा था उनके पास 20,000 की सेना थी और औरंगजेब के पास उस समय में 8,00,000 की सेना थी। 8,00,000 की सेना और 20,000 की सेना बहुत बड़ी होती है, 8,00,000 के सामने 20,000 कहीं नहीं टिकती। तो सेना के बल से देखा जाए तब भी और राज्य के विस्तार की दृष्टि से देखा जाए, और जब इतना बड़ा राज्य है जब पूरे राज्य का ही मालिक वह है तो फिर धन संपत्ति का तो कोई पारावार ही नहीं, इसलिए कहते हैं इसकी लौकिक साहेबी तो बहुत बड़ी है। इसलिए अब जिसकी जितनी साहेबी बड़ी होती है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ बहुत अमीर था, तो उसको लगता था कि मैं इतना अमीर हूँ फिर भी सुखी नहीं हूँ, मैं सुखी व्यक्ति की खोज में निकलता हूँ। सुखी व्यक्ति की खोज में निकला और उसने क्या सोचा कि उसके लिए सुखी व्यक्ति वह था जो खूब गहरी नींद सोए, निश्चिंत होकर के गहरी नींद में अगर सो पाता है तो उसके लिए वह सुखी व्यक्ति था। अब ढूंढते ढूंढते गया सुखी व्यक्ति को, खोजते खोजते गया, अपने गांव में हर व्यक्ति के घर में गया, जाकर के पूछता है कि क्या आप सुखी हो, तो कहते हैं कि नहीं नहीं हम सुखी नहीं है, हमारे तो ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी, कुटिया में एक वो टूटी हुई खटिया होती है, उस खटिया के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ था और लेटे लेटे कुछ गा रहा था। तो उसके पास जाकर के पूछा कि क्या तुम सुखी हो, बोले हाँ मैं सुखी हूँ। बोले क्या तुम्हें अच्छे से नींद आती है, पहले ही उसने प्रश्न पूछ लिया, ढंग से नींद आती है, बोले हाँ मैं तो घोड़े बेच के सोता हूँ।
बोले क्यों तुम्हें कोई चिंता नहीं है? बोले मुझे चिंता किस बात की, चिंता किसको होती है? जिसको कुछ खोने का डर होता है उसको चिंता होती है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं खोने वाला। मैं कितनी भी गहरी नींद सो जाऊं मुझे इस बात की चिंता नहीं सताती कि मेरा कुछ कोई लूट करके चला जाएगा। एक वक्त का खाना खाता हूं जैसे तैसे, दिन में दो वक्त की अगर रोटी मिल जाती है तो और खुशी की बात है, अन्यथा एक वक्त भी मिल जाए मैं तो खुश रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो समझ गया कि सुखी कोई कौन सा व्यक्ति है। कहते हैं चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। आज लोगों को क्या लगता है, भौतिक जो चकाचौंध है, आज एक रेस है, जो लखपति है करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति व्यक्ति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति बनने के बाद सोचता है कि टॉप 100 में नाम आ जाए, उसके बाद सोचता है कि टॉप 10 में नाम आ जाए, फिर सोचता है कि नहीं मैं सबसे बड़ा अमीर, सबसे ज्यादा अमीर कैसे बनूं। तो इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा रहता है। आज से लगभग 6-7 साल पहले जिस समय में बिल गेट्स सबसे अमीर हुआ करते थे, आज तो मेरे विचार से दूसरे तीसरे नंबर पर होंगे, तो जिस समय वो सबसे अमीर थे तो उस समय एक बिजनेस मैगजीन निकलता है, उसका नाम है फोर्ब्स। तो फोर्ब्स मैगजीन के अंदर एक बात लिखी थी बिल गेट्स के विषय में कि जब वो अगर वो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए काम कर रहे, काम करते करते मान लीजिए कि हम काम करते ना, कोई सिक्का नीचे गिर जाता है, पैसा 1 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाए, हम क्या करते हैं उसको उठाते हैं, झुक करके उठाते हैं। बिल गेट्स के बारे में लिखा था कि अगर वो इतनी देर के लिए झुकते हैं, मतलब एक सिक्का उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और ऊपर उठते हैं, अगर इतना सेकंड भी अगर वेस्ट करते हैं तो उतने में दूसरी कंपनियां, जो वो भी दूसरी कंपनियां भी तो कॉम्पिटिशन में है ना, प्रतिस्पर्धा में है, तो वो बिल गेट्स की कंपनी को लगभग $1100 का नुकसान हो जाता है। सोचिए जिसके पास धन तो अकूत है लेकिन सोचिए कि गिरा हुआ पैसा उठाने का समय नहीं है, तो खाते समय भी सोचते होंगे, अगर किसी व्यक्ति को 15 मिनट लगता है खाने में, 15 मिनट भी कम है वैसे, तो अगर 15 मिनट खाने का समय लगता है वो सोचते होंगे कि इस 15 मिनट में तो पता नहीं कितनी सारी कंपनियों ने कितने सारे शेयर खरीद लिए होंगे। सोते समय विचार आता होगा कि आज मैंने इतनी संपत्ति जोड़ी, अब रातों रात में कोई दूसरी कंपनी मेरी कंपनी को ओवरटेक ना कर ले, तो आज ये चिंता रहती है। अब इसीलिए औरंगजेब की परिस्थिति भी कैसी थी, कहते हैं इस औरंगजेब इतना डरता था, कहते धूल लगे मजलिस कर ना सके कोई, कोई भी औरंगजेब के पास जा करके उससे बात नहीं कर पाता था, और अपनी बात को क्यों समझे संदेश से, जब कोई बात ही नहीं कर पाता था तो अपना संदेश कोई कैसे पहुंचा सकता है, कैसे अपनी बात समझा सकता है। और दूसरी बात, दूसरी विशेष बात ये कि संदेश देकर के पीछे भी फिरा जा सकता है, किसी तरह से संदेश पहुंचाया जा सकता है, लेकिन किसी की जागृति तो कब तक नहीं हो सकती। कहते हैं जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लो घुटन घुटन सो बांध के सुनावे नाइन पर। इस चौपाई से हम सब सुंदर साथ को एक बात समझनी चाहिए कि जागनी इतनी आसान नहीं है। हम बने बनाए मंच में जाकर के चर्चा कर दें और चर्चा करके वापस लौट करके आए और हम समझे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, इतना बड़ा कार्य नहीं है। जागनी कैसे होती है, जो लोग घुटन सो घुटन बांध के, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अपने निकट बैठे, नजदीक बैठे और पालथी मार करके बैठेंगे तो दोनों के घुटने आपस में जुड़ते हैं ना, तो वैसे ही घुटने से घुटना बांधने का मतलब है जब तक आमने सामने बैठ करके सामने वाले की शंकाओं का संशयों का निराकरण समाधान नहीं किया जाता तब तक कैसे जाग सकता है कोई, इसलिए जागृत नहीं हो सकता। कहते ये बात तो तब होए तिस वास्ते लिखिया तुम, अब ये बात तो कब हो पाती, घुटने से घुटना बांध करके मतलब उनके बीच में जाकर के ज्ञान चर्चा करने का काम तब सिद्ध हो पाता कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो ब्राह्मण गायत्री शूद्र को कहे सुनावे नहीं हम, जैसे ब्राह्मण लोग शूद्रों को गायत्री मंत्र नहीं सुनाते थे वैसे ही ये मुसलमान भी क्या सोचते थे, त्यों कुरान का मजगूर हिंदुओं न सुनावे कान, हिंदुओं के कान में मुसलमान कुरान की बात नहीं सुनाना चाहते और हिंदू भी मुसलमानों से बात नहीं करना चाहते, इसीलिए जब तक आपस में आमने सामने बैठ करके चर्चा ना हो तब तक जागने नहीं होगी, और ये आमने सामने बैठ करके चर्चा करने वाले नहीं है, इसलिए हमारे सुंदर साथ में अभिश्री जी
बारह मुमिनों को नहीं लिख रहे हैं, अभी श्री जी उन सुंदर सात को पत्र लिख रहे हैं जो मेरता सिद्धपुर उदयपुर इन सब स्थानों में है, उनको लिख रहे हैं कि ऐसा सोच करके ऐसी योजना बना करके तीस वास्ते हम बारह जने, इसलिए हम बारह लोग गए दिल्ली में विचार करके और औरंगजेब को संदेश दिया। अब और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कहते तो हम जात भेख का कि उना भाने सिर, ऐसा करने के लिए औरंगजेब को संदेश पहुंचाने के लिए हमें जाति का वेशभूषा का सिर बांधना पड़ा, मतलब उस मर्यादा को हमें तोड़ना पड़ा। और संकोच हम क्यों करें, हमें वेश बदलने में संकोच इसलिए भी नहीं हुआ, इसलिए भी हमें भेख बदलना पड़ा क्योंकि हम तो परमधाम की आत्माएं, हमारी तो एक ही जाति है रूह जात। इस कारण से हम बिना संकोच के ऐसा जान हम बारह जने बैठे बीच दरबार, सो हमको सकुमार ने कहया मजलिस से योकर, सकुमार से मजलिस हुई और उसने हमसे ये बात कही, उसकी हमसे बात हुई, कहते धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में। और उन लोगों ने जाहिरी मुसलमानों ने भी, चाहे वो शेख इस्लाम हो काजी, उसने भी बारह मोमिनों को धन्य धन्य कहा कि ऐसे मोमिन है। औरंगजेब ने भले ही जाहिरी रूप से दूसरे मुसलमानों के बीच में स्वीकार न किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि ये बारह मोमिन सच्चे इस्लाम के आशिक हैं। पहले तो जाहिरी मुसलमानों ने क्या कहा, किन में भेजे आए हैं, कछु दगा है इन मन, जाहिरी मुसलमानों ने मिलने नहीं देना चाहा, कोशिश की अंतिम समय तक, और ऐसा जान के साथ को कि ये कोतवाल हवाले मोमिन, कोतवाल के हवाले किया सुंदर साथ को। अब काजी ने कोतवाल को कहा कि तुम सच्चा झूठ का तुम निवेरा करो, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, और बहुत बातें हमसो करी तिस पीछे कहया सुल्तान, हमसे बहुत सारी बातें की, ब्रह्म मुनियों के साथ में कसाला भी किया और बाद में क्या बात कही कि ये झूठे नहीं है, ये दगाबाज नहीं है, है मोमिन खास ईमान, ये तो विशेष ईमान वाली ब्रह्ममुनि है, मोमिन है। तब चौकी बैठाई थी ताको दिए उठाए, तो हमारे ऊपर जो पहरा बैठाया गया था उसको भी उठाया और हमें एक हवेली रहने के लिए दे दी। और इनके मन में हमारे प्रति जो दुर्भावना थी, विकार इनके मन में आया था सो गया, अब हम रहे हैं काम सूचत का भया, इनके मन के सारे विकार समाप्त हो गए, हमारे प्रति जो बुरी भावना थी वो समाप्त हो गई। अब श्री जी कह रहे हैं जिन श्री जी ने सुंदर साथ को कहा जिन सनंदे समझेगा, जिस सनंद से वो समझने वाले हैं, चाहे वो सनंद दोजक की हो, चाहे नबी नारायण की सनंद हो, चाहे वो विनायक मोहम्मद की सनंद हो, उस सनंद से उन्हें समझाना है और ऐसे समझाया भी। फिर काजी से मुलाकात की, सारी घटना संक्षेप में बताया क्योंकि ये छोटी पत्री है, बड़ी पत्री से कम चौपाइयां हैं, संक्षेप में इसमें बात समझाई गई कि काजी से हमने मुलाकात की, काजी के बाद कोतवाल से भी मुलाकात की और फिर सुल्तान औरंगजेब से भी हमने हमारा संदेश पहुंचाया। अब कहते हैं और बात की हमसो जब करेंगे तलब, अब इसके आगे की बात अगर ये तलब मतलब इच्छा करेंगे चाहना करेंगे तो वो बात भी हम लिखेंगे। कहते अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, पहले तो हम छिप छिप करके, श्री जी ने कहा ना आपन तो रल झलते, हम पहले छिपे छिपे फिरते थे, लेकिन कहते अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, इमाम मेहंदी का लश्कर, श्री प्राणनाथ जी की सेना हम बन करके जाहिर हुए हैं और थाना थिर कर बैठे, इतने दिन छाना करते काम, छाना करते मतलब छिप छिप करके जो कार्य कर रहे थे, अब हम उन्हीं के घर में जाकर के घर बना करके हवेली में बैठे हैं और वो भी सुल्तान की जान में होवे बैठे जाहिर, सुल्तान की जानकारी में ही हम जाहिर होकर के बैठे हैं। अब तो हमको लखे लख किए बाहर, अब तो इनको हमारे स्वरूप की हमारी पहचान हो गई है, तिस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे। अब श्री जी ने क्योंकि उन बारह मोमिनों को पत्र लिखा, अब यहाँ पर पत्राचार की शैली में बात लिखी गई है, श्री जी ने कहा था कि आप सब बारह हैं वैसे, लेकिन सब एक बन के रहना, एकजुट होकर के रहना। सुंदर साथ भी कह रहे हैं कि हम एक ही बन करके रहेंगे। और दिल्ली के परवाने का मतलब क्या होता है, परवाना उसको कहते हैं जैसे पतंगा होता है, आपको पता होगा पतंगे का स्वभाव होता है कि जहां दीपक दिखे वहां पर, क्योंकि उसका सुहाग अंधेरा होता है, तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए वह दीपक में
कूद जाता है, जल जाता है, स्वयं मर जाता है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करता है अपने सुहाग की रक्षा करने का, तो उसे परवाना कहा गया। तो दिल्ली के जो सुंदर सात लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, कहते हैं कि अगर आपको यहां से सुंदर सात की आवश्यकता हो तो हम उनको भी भेजेंगे। अब श्रीजी सुंदर सात को कह रहे हैं उन 12 मोमिनों को कि तुम भी पाती उनको लिख भेजो निशंक कर, सीरे तुम सब साथ के सामे हुए यों कर। 12 मोमिनों को लिख रहे हैं कि सुंदर सात जी, आप भी अन्य सुंदर साथ को जैसे मैंने पत्र लिखा है वैसे आप भी पत्र लिख करके भेजना कि आपने कैसे कैसे किया है, क्योंकि आप सभी सुंदर साथ के सिरदार हैं और बड़े मोहरे मोह बढ़ के आए लगे तुम, तिस वास्ते सब साथ को पाओ भरे अहक हुकम। इस संसार में जो बड़े बड़े मोहरे हैं, मोहरे का मतलब जो अपने आप को धर्म की राह में बहुत बड़ा समझते हैं, धर्मगुरु समझते हैं, ये सब तो बड़े बड़े काजी मौलवी पंडित कहलाने वाले सब आपके पास आ चुके हैं अब आपके चरणों की छत्र छाया में, इसलिए आप सभी सुंदर साथ को क्या करना, पाव भरे हक हुकम, राज्य के हुकम से कदम चल के दिखाना, आप रास्ता चल करके दिखाना, अपना आपा निशंक तुम डारियो सब साथ। आप सब सुंदर साथ ने क्या किया है, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, सुंदर साथ को ये कहते हुए ये सिखापन देते हुए लिखना, आपको ये अधिकार इसलिए है क्योंकि आपने अपना सब कुछ डार दिया है, समर्पित कर दिया है, तिस वास्ते लाहा लोगे तुम, आपने समर्पण किया इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा, पर हके पकड़े हाथ, आप सबके हाथ राज्य ने पकड़ रखे हैं, और दज्जाल के घाव तुमको मोह सिर पर लगे। हम जिस दज्जाल से लड़ाई करने की बात कर रहे थे उस लड़ाई को, दज्जाल के प्रहार को आपने क्या किया, मोह सिर पर लगे का मतलब है आपने सामने से दज्जाल से लड़ाई किया है, वीरता के साथ में आपने लड़ाई की है, क्योंकि पीठ पर घाव लगना कायरता का मुहावरा है और मुंह पर सिर पर घाव लगने का मतलब वीरता की निशानी है। कहते हैं हमने आपन जुद कहते हते, हम सब श्रीजी उन सुंदर साथ को इतनी महिमा दे रहे, कहते हैं हम तो सिर्फ युद्ध की बात कर रहे थे लेकिन वह युद्ध तुमने किया, सो तुम जुद किए, औरों को कहने की पाती का ए जो हुआ अब जो है, तुम्हारे कहने का एह करने का होए। श्री जी कह रहे हैं सुंदर सात को कि उस पाती में ये बात सुंदर सात को लिखना कि जिस युद्ध की बात आप कहते थे वह करने का समय आया था और हमने वह लड़ाई की है, और कहते हैं सो तो तुम किया, अब खबर राखियो तुम इन मोर्चे खबर एह लिखते हैं हम, इस मोर्चे की खबर औरंगजेब के साथ जो लड़ाई हुई है उस मोर्चे की खबर पत्र में इस तरह से लिखना, जैसे तुम आप हो तैसा फुरमाया धाम। अब इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा कहते हुए कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सब ब्रह्म मुनियों की, ब्रह्म सृष्टियों की जो महिमा है, जैसा परम धाम में भी आपकी महिमा है जिस तरह की, तैसा भारी हो जियो तैसे कीजियो काम, आप अपने महिमा के अनुरूप भारी बनकर के रहना। भारी बनकर के रहने का मतलब अपनी गरिमा को ठेस न पहुंचाना, आपकी जो इज्जत है उस इज्जत को, आपकी उस महिमा को बनाए रखना। जैसा ब्रह्म सृष्टियों की महिमा धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, जैसा कलाओं में है तैसा ही भरियो पाए, एते दिन तुमने आकार पकड़ बैठा है। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है उनको उसी हिसाब से आप चलना। इतने दिनों तक तो आपने क्या किया कि शरीर के भाव को लेकर के जाहिरी मुसलमान ऐसा ऐसा कर रहे थे, जाहिरी रूप को देख रहे थे, रूप का मतलब कि ये मुस्लिम तन में, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, सिर्फ जाहिरी चीज को देख रहे थे, लेकिन आपने इस चीज को मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। कहते तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा चलियो राखियो मेरी लाज। श्री जी कह रहे हैं कि आप वहां पर मेरे प्रतिनिधि बन करके गए हैं, मेरा प्रतिनिधि बन करके गए हैं, तो आप ऐसी चाल चल के देखना। एक तरफ श्री जी सुंदर सात की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक जो कुम्हार होता है, कुम्हार क्या करता है, अंदर की तरफ से सहलाता है उस मिट्टी के, जो भी पात्र बनाना होता है अंदर से हल्के हाथ से वो सहलाता है, लेकिन बाहर से वो थपकी मार रहा होता है, थाप मार रहा होता है, तब वो सही आकृति दे पाता है। वैसे ही श्री जी अंदर से जो प्रेम है उस प्रेम को भी दर्शा रहे हैं और सुंदर सात को सिखापन भी दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि आपकी इतनी बड़ी महिमा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसी महिमा है उसके अनुरूप काम भी करना। तो राज्य ब्रह्म सृष्टियों को इस माया के
घमंड में, इस माया के अहंकार में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, गर्व का अवसर दे रहे हैं लेकिन घमंड करने नहीं दे रहे, इसलिए कहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, हो तुम जान सिरोमन जो तुम साथ समस्त। आप सभी जानने वाले सुंदर साथ हैं, जितने भी हैं जानकार हैं। तुम बुद्धवान विचक्षण तुम पे बड़ी वस्तु, आपके पास तो बड़ी वस्तु मतलब ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, आप बहुत बड़े बुद्धिमान है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, आप तो बड़ी बुद्धि के खावंद है, क्या बहुत लिखे तुम, आपको बहुत ज्यादा क्या लिखा जाए। अजान को लिखी जाते, कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति को बार बार समझाना पड़ता है, आप तो ज्ञानी हैं, तीस वास्ते बेर बेर कहाँ लिखे हम, इसलिए हम बार बार लिखना नहीं चाहते, आपकी जितनी महिमा है। अब सुंदर साथ समझने वाले उनको इशारा पर्याप्त है। वैसे ही हम सब आज अपने आप को अगर ब्रह्म सृष्टि कहते हैं तो हमें ब्रह्म सृष्टि की चाल चलनी पड़ेगी। अगर ब्रह्म सृष्टि कहते हुए भी हम प्राणनाथ जी की महिमा को छोटा कर रहे हैं, हम अपनी खुद की महिमा को छोटा कर रहे हैं, तो ये हमारी चाल नहीं है। अब कहते हैं समझदार को ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। अब ये चिट्ठी से मिलाप भी कुछ दिनों का, ये कहते हैं चार दिन अपन को है पत्री से मिलाप, आकार मिलाप न हो वही, तीस वास्ते जानो आप, अभी तक शरीर से मिलाप तो होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तब तक हम पत्री से मिलाप करते रहेंगे। अब क्योंकि शरीर से मिलना संभव नहीं है, इसलिए दो चार शब्द हम बिल्कुल संक्षेप में कहते हैं, दोए सुकन तीस वास्ते चाप के लिखे कला, मतलब बिल्कुल कम शब्दों में करके हम शब्द लिख रहे हैं। अब कहते हैं हमको चार दिन जाना पड़े वास्ते इस ही काम, अगर हमें इसी कार्य के लिए जागने के लिए दो चार दिन के लिए बाहर जाना भी पड़े तो भी आपकी अनुमति होगी तो हम जाएंगे, ना तो हमारा जाना ना होए, सो जानो तुम्हें, आप जैसा जानते हो आपको जैसा उचित लगे आप हमें आदेश दीजिए, हम अगर आपकी अनुमति होगी तो हम बाहर जाएंगे, राजाओं को जगाएंगे। और कहते तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, सभी सुंदर साथ को पत्र लिखना, और नौतनपुरी तथा खम्बालिया पर, नौतनपुरी खम्बालिया पोरबंदर मंडई ठट्ठा नगर सूरत खम्बात अहमदाबाद भरूच सिद्धपुर उदयपुर मेरता, ये सभी सुंदर साथ को पत्र लिखना। और पत्र में क्या लिखना, कहते बहुत खुशहाल होए के वस्त्र का दिखाइयो बोझ, मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइए खुद, बहुत खुश होकर के आपने जितना बड़ा काम किया है उसी बोझ को लिखना, उसी गरिमा को, यहां बोझ का मतलब है उस भार को, गरिमा को लिखना। और कैसे लिखना, कहते हैं सबको वस्त्र दिखाए के खंडनी लिखियो तुम, आपने जो राह चल करके दिखाई है उस चीज को वास्तव में दिखाना, और जहां खंडनी की आवश्यकता पड़े खंडनी भी लिखना। ऐसे रोध होकर के नहीं लिखना कि सुंदर साथ जी कृपया ऐसा कीजिए कृपया, नहीं नहीं रोध होकर के नहीं, खंडनी करके लिखना। जहाँ सुंदर साथ अगर माया में लगे हुए हैं तो चोखा वचन कहना, स्पष्टवादिता होना ये आवश्यक है। कहते हैं गल गलते रोते जिन लिखो कहो चोखा लिखते हम, ये कहना कि हम स्पष्ट रूप में लिख रहे हैं कि आपको माया में नहीं लगना चाहिए। और कहते हैं जो कोई तुमको उत देवे दुख, श्री जी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपको दुख देता है अपने वचनों के माध्यम से, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख, अगर कोई आपको दुख दे रहा है तो हम ज्ञान से उसके अहंकार को समाप्त करके आपको सुख देंगे। अब ये तो हो गई छोटी पत्री, अभी थोड़ा सा प्रसंग और है, अब ज़्यादा नहीं है, लगभग 25-30 चौपाइयाँ हैं छोटी पत्री में, जिसमें श्री जी ने और भी कुछ कुछ सिखापन दी है। और उसके बाद अब श्री जी सुंदर साथ की अनुमति आज्ञा पा करके उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में वहां राजा को जगाने का प्रयास करते हैं, वहीं पर मुकुंद दास जी आकर के मिलते हैं, गोवर्धन जी आके मिलते हैं, इधर से शेख बदल जी भी जाते हैं। उनके पास में कुछ पैसे होते हैं, उस पैसे को देख करके वहां के जो कुछ लुटेरे होते हैं आदिवासी, वो उनको लूटने का प्रयास करते हैं, तो उनसे बचा करके उनसे जान बचा करके कैसे वो श्री जी के पास पहुंचते हैं। फिर उदयपुर के बाद अब राजाओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं श्री जी, लगातार राजाओं के बीच में ही जा रहे हैं, पहले उदयपुर जाएंगे फिर राणा राज सिंह को जगाने का प्रयास करते हैं, फिर राजा भाव सिंह को जगाने का प्रयास करते हैं, फिर वहां भी काम नहीं चलता, फिर कुछ समय के बाद में अंत में जाकर के श्री जी पन्ना पहुंचते हैं और महाराज छत्रसाल जी की जागनी होती है। तो अभी छत्रसाल जी की जागनी के लिए अब यात्रा का क्रम शुरू हो चुका है, होने वाला है, तो कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि कैसे श्री जी उदयपुर गए, वहां जागनी कैसे हुई, और आगे ये सब सुंदर साथ कैसे जगे, इनकी चर्चा सुनेंगे हम कल। और कल अंत में
जो आज थोड़ा सा प्रसंग बचा है छोटी पत्री में, उस प्रसंग की भी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा हुआ है, चौपाई दूर रहिए। जो कोई तुमको उत देवे दुख, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख, उत देवे सुख। बोलो श्री प्राणनाथ।